हेलो गाइस वेलकम टू करेंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस गाइस अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं यहां पर सभी सोर्सेस से न्यूज को कवर किया जाता है जैसे कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया लाइव जैसे जो न्यूज होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है पी की रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती है उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है इवन ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका हंड्रेड परसेंट गारंटी सिलेक्शन होगा और हंड्रेड परसेंट गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में और गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स की क्लास को बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं सो गईज पेपर वन के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देखिए गईस हर साल यूनाइटेड नेशंस 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑब्जर्व करती है काफ़ी सारी कंट्रीज इस दिन को वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करती हैं इस साल की जो थीम है वो है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस का विषय है मिश्रित भूत विविधतापूर्ण भविष्य कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स ये चीज ध्यान में रखना पूरे दुनिया भर में इस दिन को प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा यही चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी होती हैं क्या होती हैं इसके बारे में भी एक आपको जानकारी होनी चाहिए इन्हें ऑफिशियली किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूनेस्को का मानना यह है कि ये वो साइट्स होती हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी कुछ कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस होती हैं राइट right? और इन पर्टिकुलर साइट्स की जो लिस्ट होती है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है तो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा मेंटेन की जाती है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एडमिनिस्टर करती है जिसमें 21 यूनेस्को मेंबर स्टेट्स मौजूद होती हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है तो यही चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए और हर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती है गाइज तो वो जो साइट जो होती है वो लीगल टेरिटरी होती है उसी कंट्री की जिस कंट्री में वो साइट लोकेटेड है और यूनेस्को कंसिडर करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अपने इंटरेस्ट के तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट के तौर पर कि उसे हर एक साइट को प्रिजर्व करके रखना है मतलब कि कुल मिलाकर अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अगर थोड़ा भी नुकसान पहुंचता है तो जिस कंट्री में वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है उस कंट्री कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा तोहिन की जाती है मतलब कि उसको उस कंट्री को कहा जाता है कि अरे यार कैसे हो तुम तुम्हें तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी तुमने प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तुम वर्ल्ड हेरिटेज साइट को राइट मतलब कि एक तरह से एक कोई साइट है उसको अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया तो उसको प्रोटेक्ट करना एक प्राइड वाली फिर बात आ जाती है

एक क्लासिफाइड लैंडमार्क होना चाहिए ऑलरेडी पहले से उसकी कुछ जोग्राफिकली हिस्टोरिकली कल्चरली या फिजिकली उसका कुछ एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होना जरूरी है राइट उस साइट को तब उस साइट को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है और इंडिया के अंदर हेरिटेज साइट्स कौन सी कौन सी है तो आपको ध्यान में रखना है नंबर थर्टी एट टोटल थर्टी एट अभी तक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर है पूरे दुनिया भर में ग्यारह सौ इक्कीस ऐसी साइट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं और इंडिया के अंदर जो 38 एट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें से 30 30 कल्चरल है सात नेचुरल है और एक मिक्स्ड है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कर बताएंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है स्टेट बताइए किस स्टेट में कंचनजंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है ठीक है और इसके अलावा 2019 में जयपुर सिटी थर्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आ थी यानी थर्टी एट हम लोग को देखने को मिला नंबर पर जयपुर सिटी है तो रिसेंट पास में जयपुर सिटी को इसको ऐड किया गया कल्चर की लिस्ट में जयपुर सिटी को राइट और मात्र चाइना इटली स्पेन जर्मनी और फ्रांस ये हम लोग को पांच कंट्रीज देखने को मिलती हैं इसके बाद आता है इंडिया का नंबर यानी कि इंडिया के पास जो थर्टी एट है तो थर्टी एट से ज़्यादा साइट्स इन पांच कंट्रीज के अंदर हम लोग को वर्ल्ड हेरिटेज की देखने को मिलती है ठीक है तो ये वाली चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए ठीक है तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस अब गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करेंगे हम लोग श्री रामानुज आचार्य जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इन पर हम इनके बारे में बात करते हैं तो 18 अप्रैल 2021 को इनकी हंड्रेड एंड फोर्थ एनिवर्सरी जयंती मनाई गई रीसेंट पास में इनके बारे में थोड़ा जानते हैं तो इनका जन्म 1017 जीरो वन में तमिलनाडु में हुआ था इन्हें श्री वैष्णववाद दर्शन का सबसे सम्मानित आचार्य माना जाता है श्री वैष्णविज्म की फिलॉसफी का मोस्ट रिस्पेक्टेड आचार्य इन्हें माना जाता है इन्हें इलाया पेरूमल इलाया पेरूमल के रूप में भी जाना जाता है जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान रेडिएंट वन जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान इनके भक्तिवाद के दार्शनिक तत्वों से भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था तो इनकी जो फिलॉसफीज़ हैं, इनके जो कार्य हैं, उस पर भक्ति मूवमेंट पर भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ था ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए ये वेदांत दर्शन परंपरा में विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक के रूप में भी प्रसिद्ध थे उन्होंने ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता पर भाष्य जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की इनकी सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई थी पॉइंट टू बी नोटेड यह चीज आ सकती है कि इनकी सभी रचनाएं जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी संस्कृत भाषा ध्यान में रखना अब चर्चा करते हैं इस सब इस स्कूल के बारे में विशिष्ट त्वैत के बारे में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब तो ये क्या है ये नॉन ड्यूलिस्टिक स्कूल है वेदांत फिलोसफी का वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है ये यह सर्वगुण संपन्न परम सत्ता का अद्वैतवाद है नॉन ड्यूलिज्म हम लोग को क्वालिफाइड होल का देखने को मिलता है जिसमें मात्र ब्रह्मांड का अस्तित्व माना जाता है ब्रह्मांड अलोन एग्जिस्ट करता है जिसमें लेकिन इसकी अभी व्यक्ति विविध रूपों में होती है इसको कैरेक्टर कैरेक्टराइज किया जाता है मल्टीप्लेक्सिटी से राइट right? और इसके अलावा इसे परिमत वेदांत या फिर सर्व गुण संपन्न अद्वैतवाद या फिर गैर द्वैतवाद या गुण सूचक अद्वैतवाद के रूप में भी वर्णित किया जाता है इसे डिस्क्राइब किया जाता है क्वालिफाइड मोनिज्म की तरह क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म की तरह या एट्रीब्यूटिव मोनिज्म की तरह वेदांत दर्शन की इस परंपरा यह मानती है कि संपूर्ण जगत की विविधता अथवा बहुरूपता एक ही मूलभूत सत्ता में समाहित होती है तो ये स्कूल वेदांत फिलॉसफी का है जो कि बिलीव करता है कि सभी डायवर्सिटी जो है वो एक यूनिटी के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है अंडरलाय करती है एक यूनिटी में सभी जितनी भी डायवर्सिटी है वो एक ही चीज में अंडरलाय करती है यानी कि एक ही चीज में सब कुछ सम्मिलित है राइट या समाहित है तो यानी चीज इसकी बोलती है, बताती है तो यही चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए मंदिर के बारे में खजुराव टेम्पल के बारे में काफी फेमस टेम्पल है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया एक वेबिनार खजुराव टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर इस टाइटल से ये वेबिनार हमें देखने को मिला और ये देखो अपना देश इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का उसके तहत इस चीज़ को ऑर्गेनाइज और, किया गया इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ तो ये एक कुछ प्रयास है सरकार के कि सरकार हमारी कंट्री की जो रिच डाइवर्सिटी जो है उसको शोकेश करती है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर हमें देखने को मिलता है यानी कि हमारी कंट्री के अलग अलग जो रिच कल्चरल ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं जो जगहें हैं तो उनको शो किया जाता है जिससे कि हमारी कंट्री की जनता को ये सब चीज़ों के बारे में पता लगे हमारी कंट्री के अलग अलग रिच कल्चर्स अलग अलग क्षेत्र के जो है उनके बारे में पता लगे ठीक है तो ये वाली चीज़ है तो इसके तहत एक अभी वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया था खजुराव का तो खजुराव मंदिर के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं ये मंदिर सबसे पहली चीज़ तो लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में ये मंदिर लोकेटेड है ब्यूटिफुल मेडिवियल मॉन्यूमेंट हम लोग को देखने को मिलता है ये हमारी कंट्री के अंदर मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट एरा का इसे बनाया गया था नाइन फिफ्टी टू वन जीरो के समय पर चंदेल डायनेस्टी के द्वारा चंदेल शासकों के द्वारा ये मॉन्यूमेंट के अंदर कौन से कौन से भगवानों के देवता हैं सॉरी मंदिर हैं किन किन आ, पर्टिकुलर रिलीजन के मंदिर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो हिंदू और जैन ये चीज़ ध्यान में रखना ये चीज़ आ सकती है हिंदू और जैन तो यहाँ पर हिंदू और जैन टेम्पल्स अवेलेबल हैं और ये टेम्पल की साइट जो है विंध्या माउंटेन रेंज पर लोकेटेड है और इन टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है 1986 में ये जो है वो है वो फेमस नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए आपको बताओ एक मेकिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है नागर स्टाइल होता है इसके अलावा और कौन से स्टाइल होते हैं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की बेसिक सी चीज कि टेम्पल के और भी कौन से कौन से आर्किटेक्चरल फॉर्म होते हैं एक तो नागर स्टाइल जिस पर बेस्ड ये हम लोग को टेम्पल देखने को मिल रहा है खजुरा टेम्पल इसके अलावा दूसरे स्टाइल्स आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे इसके अलावा इस मंदिर का पहली बार जिक्र हुआ था ए डी में एक किताब लिखी गई थी अबू रिहान अल बिरूनी के द्वारा तो उसमें जिक्र था और अरब ट्रैवलर इबिन बतूता की भी ट्रैवलॉग में जो कि वन थ्री थ्री फाइव ए डी से बिलोंग करते हैं तो उस समय ये लिखा गया था तो दो इस मंदिर के रिकॉर्ड जो हैं वो दो जगह पर नज़र आए अबू रिहान अल बिरूनी और इबन बतूता इनमें ये दो रिकॉर्ड देखने को मिले ठीक है तो ये चीज़ है और पेपर वन से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे बस अब हम लोग पेपर टू के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ बात हो रही है जेंडर संवाद के बारे में लैंगिक संवाद के बारे में तो इस पर हम लोग बात करते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम आईडब्ल्यू डब्ल्यू ए जी ई यानी कि इनिशिएटिव फॉर वॉट वर्क टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल इन इकोनॉमी तो इनके तहत जारी की गई कोशिशों का ये हिस्सा है जेंडर संवाद लैंगिक संवाद ये प्रयास देश भर में दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जेंडर आधारित प्रयासों से लैंगिक जागरूकता उत्पन्न करने बेहतरीन प्रथाओं को ज, 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 जानने और राज्यों से जमीनी स्तर की आवाज़ों को सुनने के मकसद से शुरू किया गया है ये इनिशिएटिव जेंडर संवाद का आसान भाषा में सिंपल भाषा में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है जो कि शुरू किया गया है डी ए वाई एन आर एल एम के द्वारा और आई डब्ल्यू डब्ल्यू ए जी ई के द्वारा तो यही चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में सिंपल सी ठीक है अब एक भगौड़े की बात करने वाले हैं हम लोग नीरव मोदी की बात करेंगे अभी यूनाइटेड किंगडम के होम डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि डायमंड मर्चेंट नीरव मो नीरव मोदी को इंडिया वापस भेज दिया जाएगा हम लोग काफ़ी समय से अपील कर रहे हैं यूके से कि इंडिया भेजो इस आरोपी को पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड तेरह हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ का करके भागा ही है ये राइट तो अब ये वापस लाया जाएगा ऐसा अप्रूवल दे दिया बट खुश होने की जरूरत नहीं है एक थोड़ी प्रक्रिया भी होती है जिसके बारे में आपको समझाऊंगा कि अभी भी थोड़ा टाइम है हालांकि यूके की होम डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि इसको भेज देंगे बट इसके पास भी एज अ क्रिमिनल थोड़े अधिकार हो, होते हैं आपको पता होगा जैसे क्रिमिनल्स के पास कुछ अधिकार होते हैं कि सामने वाला जो है वो अपने यानी कि ए, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के डी के अगेंस्ट भी केस लड़ सकता है जैसे कि वो अपेलेट सिस्टम नहीं होता जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई व्यक्ति केस हार गया तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगा हाई कोर्ट में हार गया तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करेगा तो वैसे ही कुछ है अभी समझाऊंगा टेंशन मत लो अभी के लिए जानो कि यूके की होम डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि नीरव मोदी को भेजा जाएगा इंडिया राइट और दो महीने बाद ये फैसला आया वेस्ट मिनिस्टर्स मजिस्ट्रेट कोर्ट जो लंडन में है इन्होंने इसके अगेन जो है वो फैसला सुनाया और अब क्या तो अब जो ये आरोपी है अब इसके पास लीगली एक मौका है यूके की हाई कोर्ट को अप्रोच करने का चौदह दिन के अंदर जो कि इसके वकील ने कर दिया है राइट और ये जो अभी होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने जो ये डिसीजन दिया अपना कि इंडिया भेज दिया जाएगा नीरव मोदी को तो उनके इस डिसीजन को ये चैलेंज कर रहा है राइट हाई कोर्ट के अंदर तो इस प्रकार का आरोपी के पास एक मौका होता है और अगर इस प्रकार की कोई अपील नहीं होती तो वो जो व्यक्ति होता है उसे 28 दिन के अंदर अंदर भेज दिया जाता है राइट वापस मतलब जहां जो भी कंट्रीज की डिमांड कर रही होती है तो इस प्रकार की चीज होती है अब मैं आपको थोड़ा सा फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ तो एक स्पेशल कोर्ट है उसने दिसंबर 2019 में डिक्लेयर किया था डायमंड बिजनेसमैन नीरव मोदी को एज अ फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के तौर पर जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की पटीशन लगाई गई थी तो उसके आधार पर यह चीज की गई थी तो फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की डेफिनेशन क्या होती है तो एक व्यक्ति जिसने अपराध किया होता है ऑफेंड किया होता है अगर उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट होता है उसका इन्वॉल्वमेंट किसी इकोनॉमिक ऑफेंस में होता है जो कि कम से कम सौ करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए और वो इंडिया छोड़ के भाग गया होता है लीगल एक्शन से बचने के लिए राइट तो ऐसे व्यक्ति को इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया जाता है तो दो तीन पॉइंट ध्यान में रखना एक तो मामला सौ करोड़ या उससे ऊपर का होना चाहिए तभी कोई व्यक्ति को फ्यूजरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाएगा राइट भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाएगा और पहले तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट और वो भाग गया हो इंडिया छोड़ के और वो किस लिए भागा हो भागने का रीजन क्या हो उसका कि उसे इस कार्रवाई से बचना हो तो ऐसे व्यक्ति को इकोनॉमिक फ्यूज इकोनॉमिक घोषित किया जाता है इसकी पूरी प्रोसीजर क्या होती है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है वो एक एप्लीकेशन फाइल करती है स्पेशल कोर्ट में जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हमें देखने को मिलती है स्पेशल कोर्ट राइट इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो सामने वाली व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टी जब्त करती है उसकी डिटेल्स देती है और कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस व्यक्ति से रिलेटेड होती है वो पूरी वहां पर स्पेशल कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है फिर स्पेशल कोर्ट नोटिस जारी करती है सामने वाले व्यक्ति को बोलती है कि एक व्यक्ति को छ हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि छह हफ्ते के अंदर अंदर वो व्यक्ति जो है अपियर हो कोर्ट के सामने ठीक है अब छ हफ्ते के अंदर अंदर वो व्यक्ति अपियर नहीं हुआ और अगर हो जाता है तो प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाती है अगर नहीं होता तो फिर उसे फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है राइट क्योंकि वो उस व्यक्ति को मौका दिया था आने के लिए वो नहीं आया वो भाग गया वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो इसलिए उसको फिर एक घोषित कर दिया जाता है राइट right? और जो भी व्यक्ति जिसे इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है वो व्यक्ति के पास फिर एक और राइट होता है कि वो तीस दिन के अंदर दर, जिस दिन यानी कि ये प्रोक्लेमेशन जारी किया गया कि उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है तो उसके तीस दिन के अंदर अंदर वो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है चैलेंज कर सकता है मामले को कि वो एक फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है और इस चीज़ के बारे में फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट ट्वेंटी एटीन के अंदर मैंशनड है ठीक है तो यही चीज़ है दो तीन चीज़ें हमने समझी एक तो हमने ये चीज़ एक जाना कि नीरव मोदी को जो है वो बुलवाया जा रहा है वापस इंडिया होम डिपार्टमेंट जो यूके की है उसने अप्रूव कर दिया है और फिर अभी वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहा है केस राइट नीरव मोदी यूके की और फिर हमने जाना के बारे में कि ये क्या होता है ईरान की बात हो रही है अभी कुछ समय पहले की बात है ईरान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर इसराइल का अटैक हमें देखने को मिला था मुसाद ने अटैक किया था और उसी के रिस्पॉन्स में बताया जा रहा है कि ईरान ने घोषणा करी है कि उसने अपने यूरानियम सप्लाई को सिक्सटी परसेंट प्योरिटी से एनरिच करना शुरू कर दिया है ये ईरान के लिए सबसे क्लोजेस्ट लेवल है वेपन बनाने का न्यूक्लियर वेपन बनाने का हालांकि न्यूक्लियर वेपन ईरान बनाएगा इस चीज की इसने ऑफिशियल घोषणा नहीं करी है जब भी यूरानियम इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो यह बोलता है कि ये क्लीन एनर्जी के लिए क्लीन एनर्जी के लिए यूरानियम uh, इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने के लिए या न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए बट एक्चुअल में हमें पता है कि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग डेफिनेटली करने वाला है ईरान आने वाले समय में जिस तेजी से ये यूरानियम इन्वेस्टमेंट में आज की रेट में लगा हुआ है तो देखो गोल क्या होते हैं यूरानियम इन्वरेस्टमेंट के तो इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करें तो यूरानियम के अंदर एक रेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसे यू के नाम से जाना जाता है ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पावर करने के लिए होता है राइट लो इनरिचमेंट लेवल्स पर और न्यूक्लियर बॉम्ब्स को फ्यूल करने के लिए होता है हायर लेवल पर तो अगर इनरिचमेंट लेवल अगर लो है यूरानियम का तो फिर उस समय वो न्यूक्लियर uh, रिएक्टर्स को पावर करता है और अगर न्यूक्लियर इनरिचमेंट हाई है ज्यादा है तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को फ्यूल करने के लिए होता है तो अभी हायर यूरानियम एनरिचमेंट हमें ईरान की तरफ देखने को मिल रहा है ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए उसको फ्यूल करने के लिए तैयारी ईरान की हमें देखने को मिल रही है इसके अलावा जो गोल है यूरानियम इनरिचमेंट का ये बेसिकली जो यू टू थर्टी फाइव का परसेंटेज लेवल है उसको रेज करने के लिए होता है जो कि सेंट्री के थ्रू भी पॉसिबल हो जाता है क्योंकि जो लो इनरिचमेंट का जो यूरानियम होता है वो सेंट्री के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि वो प्योर होने लगता है राइट मतलब आप स्पिन करते रहते हो उसको कंटिन्यूसली तो वो उसकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होने लगती है और वो रिफाइन होने लगता है राइट तो अनरिफाइंड यूरानियम जब हाई स्पीड पर उसे स्पिन कराया जाता है मशीन के अंदर सेंट्री जब उसका उपयोग जब किया जाता है तो उस समय उसका एनरिचमेंट जो है वो हाई हो जाता है यानी कि उसकी क्वालिटी जो है प्योरिटी जो है वो अच्छी होने लगती है अगर बात करेंगे प्रेजेंट टाइम पर कितनी मात्रा में यूरानियम ईरान के पास रखा हुआ है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि एक न्यूक्लियर मॉनिटरिंग आर्म है यूनाइटेड नेशन की इसका कहना है कि फेबररी तक ईरान के पास 2967.8 किलोग्राम यूरानियम है यानी कि जो इसके पास लिमिट होनी चाहिए न्यूक्लियर अकॉर्ड के अकॉर्डिंग मतलब कि न्यूक्लियर के ऊपर जो एग्रीमेंट है उसके थ्रू जो इसके पास लिमिट होनी चाहिए उसका चौदह गुना ज्यादा फोर्टीन टाइम ज्यादा यूरानियम है ईरान के पास तो ये वाली बात यहां पर बताई गई और थ्योरिटिकली इतना ज्यादा है ये कि तीन एटॉमिक बॉम्ब को तीन एटॉमिक बॉम्ब को पावर कर सकता है इसे रिफाइन करके वेपन ग्रेड का अगर बनाया गया तो और इस भंडार में स्टॉक पाइल में सेवेंटीन पॉइंट सिक्स किलोग्राम यूरानियम ट्वेंटी प्रतिशत तक संवर्धित बताया जा रहा है इन बताया जा रहा है और जिसके लिए समझौते के तहत फोरबिट किया गया है इस चीज को ट्वेंटी थर्टीन तक के लिए तो यही चीज यहां पर बताई गई है और इसके अलावा वाई डज ईरान हैव मोर इंड्रिस्ड यूरानियम नाउ आज की डेट में ईरान के पास क्यों इतने ज्यादा इंडरिस्ड यूरानियम हम लोग को देखने को मिल रहा है तो आपको बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से एग्जिट कर दिया था 2018 में और ईरान के ऊपर दोबारा से इकोनॉमिक सेंक्शन लगा दिए थे और भी पेनल्टीज ईरान के ऊपर लगा लगा दी थी तो ईरान ने बोला कि ईरान फिर क्यों ईरान न्यूक्लियर डील को क्यों फॉलो करे क्यों यूरानियम इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करे क्यों इसके ऊपर लिमिट लगाए जब यूनाइटेड स्टेट्स उसके ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगा ही चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी पूरी दुनिया से बोल दिया है कि कोई भी कंट्री किसी प्रकार से ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगी डील नहीं करेगी जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ा चुका हूँ हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ इस चीज़ के बारे में भी तो जब ऑलरेडी ईरान ने देखा कि मुझे अभी फायदा मिल ही नहीं रहा है किसी प्रकार से इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से तो फिर क्यों मैं इस ईरान न्यूक्लियर डील को फॉलो करूँ राइट क्यों मैं आ, लिमिट करूँ अपने यूरानियम इन्वरेचमेंट को तो इसलिए उसने अपने यूरानियम इन्वरेचमेंट की लिमिट को हटा दिया और अब ज्यादा मात्रा में वो यूरानियम इन्वरेचमेंट करना इसने शुरू कर दिया उसने अपने थ्री पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट यूरानियम सप्लाई को बढ़ा दिया को ऐड कर दिया यूरेनियम की प्योरिटी को रेज कर दिया इंक्रीज कर दिया राइट ट्वेंटी परसेंट तक और रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंटरनेशनल इंस्पेक्टर को क्योंकि कुछ कुछ न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की वहां पर समय समय पर इंस्पेक्टर्स आते थे और वो जांच करते थे चेक करते थे कि कहीं से ये एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं बना रहा ईरान राइट तो इसने मना कर दी इसने बोला कि मैं किसी भी इंस्पेक्टर को जांच करने के लिए नहीं एंटर करने दूंगा राइट और कंट्री ने यह भी कहा कि अपने ये एक्शन जितने भी वो ले रही है इसको वो रिवर्स जो है वो कर सकती है अगर यूनाइटेड स्टेट जो है वो दोबारा से अपनी शर्तों पर आ जाए दोबारा से इसके ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन हटा दे और पीसफुली जो है वो जैसे चलते आ रहा था वैसे रहे तो इसने ये चीज भी कही है हालांकि जॉय बाइडन इसके बारे में विचार कर रहे हैं बट अब देखो आगे चल के क्या होता है और चिंता वाली बात क्या है इसमें तो सिंपल सी चिंता वाली बात यही है कि 60 परसेंट तक यह इन्वरिस्टमेंट लेवल को ले जा चुका है मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था टेक्निकलिटीज बताई थी कि इन्वरिस्टमेंट लेवल जितना हाई होगा उतना न्यूक्लियर वेपन या बॉम्ब बनाना ईजी होगा तो यही वाली बात है कि जितना ही अपने यूरानियम को प्योर कर रहा है क्योंकि हाई प्योरिटी जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूल को क्रिएट करने में काफ़ी आसान होती है राइट काफ़ी आसानी से उसकी प्योरिटी अचीव हो जाती है अगर इन्रेचमेंट लेवल अगर हाई होता है तो तो उससे क्या होता है आसानी से न्यूक्लियर वेपन बन जाता है तो ये वाली बात यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि सिक्सटी परसेंट तक ये अपना लेकर जा चुका है एनरिचमेंट लेवल को तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए तेजी से ये काम कर रहा है राइट तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए एक अच्छा आइडिया होना चाहिए इस चीज़ के बारे में अब आर्टिकल वन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और दूसरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखा है उनसे आग्रह किया है कि कोरोना वायरस की जो सिचुएशन आज की रेट में खराब होती जा रही है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ सुटेबल डायरेक्शन जारी करें केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैन करें पॉलिटिकल रैलीस को प्रोटेस्ट असेंबलीज को और भी रिलीजियस और फेस्टिव ग्रीगेशन जो होते हैं यानी कि जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं तो बताया जा रहा है कि जहां पर भी पचास से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं ऐसी प्लेसेस को बैन किया जाए इस पर निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जारी करें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को और उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुटेबल डायरेक्शन इशू करें सुओ मोटो के बेसिस पर अपनी प्लीनरी जूरिस्टिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जो कि आर्टिकल 142 के तहत है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं और क्या आवश्यकता है इस प्रकार की चीजों की मतलब कि क्यों रोक लगाने की आवश्यकता है तो आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है और चिकित्सयी रूप से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है तो ऑफिशियली भी एक्नोलेज हो चुका है और मेडिकली भी कंफर्म हो चुका है कि कोरोना मामलों की संख्या में जानलेवा वृद्धि जो कि दुनिया में सबसे अधिक है लाइफ थ्रेटनिंग सर्ज हम लोग को कोरोना केसेस के नंबर्स में देखने को मिल रहा है जो कि पूरे दुनिया भर में सबसे हाइएस्ट है और राजनीतिक रैलियाँ धार्मिक आ, समागमों और त्योहारों पर होने वाले कार्यक्रम जैसे आयोजनों के कारण मुक्त रूप से हो रही है तो ज़्यादा केसेस जो बढ़ने के हैं कोरोना वायरस के वो वजह ये भी है कि पब्लिक जो प्लेसेस जो हम लोग को देखने को मिल रही है मतलब एक तो लोग बाग भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं रैलीज वगैरह चल रही है तो इसके कारण भी केसेस जो है वो बढ़ गए हैं क्योंकि कोरोना एकदम ऐसा नहीं है ना कि एकदम से पता लग जाए कि किसी को कोरोना हो गया इवन जब मुझे कोरोना हुआ था मैंने जब रियलाइज़ किया जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ मतलब आर मुझे दस घंटे गाड़ी चलानी है कंटिन्यूसली और एकदम से मुझे स्मेल नहीं आई मतलब एक ढाबे पे मैं रोका था मुझे स्मेल नहीं आई और अब चिंता एक तो फैमिली मेम्बर सब साथ में गाड़ी में जा रहे हैं एक ही जगह पे मैंने अपना मास्क टाइट किया और तब से लेकर मतलब घर पहुँचने तक अपने रूम में आने तक मैंने अपना मास्क हटाया नहीं निकाला नहीं बिल्कुल एक एक क्योंकि भाई देखो जैसे ही आपको रियलाइजेशन होता है ना तो वो जो पल जो होता है ना वो खतरनाक हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि आपके कारण आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये चीज़ हो सकती है बट खुश किस्मती से कि सिर्फ मेरे घर में सिर्फ मैं ही पॉजिटिव हुआ हूँ और तो बाकी सभी लोग जो है वो नेगेटिव हैं तो उस बात का अच्छा है बढ़िया कि किसी और को नहीं हुआ एटलीस्ट अपन ने प्रॉपर टाइम पर केयर कर ली क्योंकि मुझे जैसी तो घर पे भी जब मैं वहाँ पे था रायपुर में मुझे रियलाइज़ हो रहा था हल्की हल्की खांसी आने लगी थी तब मुझे समझ में आने लगा कि यार कुछ गड़बड़ तो हो रहा है कुछ गड़बड़ तो है क्योंकि आपको हल्की सी खांसी आई और माहौल वैसे ही ख़राब चल रहा है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो मैंने वैसे ही उसी समय सबसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया पहला सबसे पहली चीज़ मैंने ये करी फिर जब गाड़ी चला रहा था तब कन्फर्म जब हुआ जब रास्ते में बीच में स्मेल नहीं आई तब तो मैंने कहा रहा यार ये तो लफड़े वाली कहानी हो गई और पत्ती वत्ती सूँगी वो भी नहीं आई क्योंकि बढ़ावे में रोका हुआ था वहाँ पर क्योंकि चाय पी थी और चाय पीने के लिए चाय आई तो चाय की स्मेल नहीं आई अरे मैंने कह लफड़ा हो गया तो फिर पत्ती सूँगी उसमें भी नहीं आए फिर टाइट पकड़ा मास्क को और फिर आ गए फिर उसके बाद फिर तो आप जानती हो कि फिर हेल्थ थोड़ी डिट्रीट हुई और इस बार का तो कोरोना बहुत इस बार की बहुत डेंजरस है खतरनाक है प्रोटेक्टेड रहो किसी को होना नहीं चाहिए कि होगा तो पढ़ाई में टाइम वेस्ट हो हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि इतनी खांसी की हालत ख़राब है यार अब हर एक को अलग अलग हो रहे थे मुझे तो सिर्फ खांसी हुई वैसे तो मेरा टेस्ट मेंटेन है मेरा टेस्ट गया नहीं सिर्फ स्मेल में दिक्कत आई थी मुझे इवन अभी भी बीच बीच में जैसे रात में हो रही है अभी भी खासी इवन तो अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है बट फिर भी मैंने कहा कि यार अब जितनी अपन बात कर सक रहे हैं तो एटलीस्ट उसको यूटिलाइज करके पढ़ाएं आप लोगों को है ना तो ये हारी चीज़ तो कोरोना वायरस के, के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इसके कारण बताया जा रहा है कि रोकने की बात की गई कि रैलीज वगैरह पर रोक लगा दी जाए बैन लगा दी जाए राइट और हालांकि एक पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने के खिलाफ कोई एक मामला हो सकता था लेकिन कोविड नाइन्टीन संक्रमण फैलाने वाली भीड़ के एकत्रित होने पर रोक लगाना अति आवश्यक है तो देखो एक बार पूर्ण लॉकडाउन ना भी किया जाए क्योंकि उसके अगेंस्ट भी आ सकती हैं फाइल वगैरह एप्लीकेशन वगैरह कि लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन करना जो है वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता क्योंकि इकोनॉमी भी रन रही है क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी तो इसलिए लोग समझदार बने रैली वगैरह अगर हो रही है आपके घर के आसपास भी तो आप तो बिल्कुल इन्वॉल्व हो निकलो ही मत करने दो जिसको जो करना वैसे तो प्रशासन को रोक लगानी लगा देनी चाहिए इस प्रकार की रैलीज़ वगैरह में इस समय पर जिस समय केसेज इतने हाई हो चुके हैं राइट तो इसी को लेकर चिंता व्यक्त की गई और आग्रह किया गया लॉ मिनिस्टर के द्वारा फॉर्मर लॉ मिनिस्टर के द्वारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जजेस की हाई कोर्ट को कि वो डायरेक्शन जारी करें तो आर्टिकल 142 का इन्होंने जिक्र किया तो आर्टिकल 142 क्या कहता है ध्यान से सुनना इट प्रोवाइड्स अ यूनिक पावर टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह यूनिक पावर प्रोवाइड कराता है टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज कंप्लीट जस्टिस पूर्णतः न्याय पूर्ण न्याय प्रोवाइड कराने की कंप्लीट uh, पावर आर्टिकल वन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कराता है वेयर एट टाइम्स लॉ और स्टैच्यूट मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी कोर्ट कैन एक्सटेंड इट सेल्फ टू पुट अस एंड टू अच वीट दर्ट वगैरह जो चलती है वो कानून के आधार पर चलती है आपको पता है बट अगर किसी कानून के तहत भी सामने वाले व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है कानून का उपयोग करके भी न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के Uh, मतलब पावर uh, है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो पूर्णतः न्याय कंप्लीट जस्टिस जो है वो सामने वाले को प्रोवाइड करा सकती है राइट right? कानून के परे जाकर भी आर्टिकल 142 फोर्टी टू क्लॉज वन स्टेट दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिस्डिक्शन में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इन नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट एंड एनी डिग्री सो पास और ऑर्डर सो मेड शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सच अ मैनर मे बी प्रेस्क्राइब बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड इन सच मैनर एज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर प्रेस्क्राइब अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आर्टिकल वन फोर्टी टू क्लॉज वन ये भी कहता है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर का उपयोग करते हुए अगर कुछ ऑर्डर करती है ऑर्डर पास करती है तो उसका जो ऑर्डर है वो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा और बिल्कुल उस ऑर्डर की वो ही शक्ति होगी जैसा कि पार्लियामेंट जब एक कानून बनाती है आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर बिल बिल पास पास होता है होकर जो कानून बनता है तो कानून जो बनता है जो कानून पावरफुल होता है सभी को फॉलो करना होता है तो सेम उस ऑर्डर को कानून की तरह ही ट्रीट किया जाएगा राइट इतनी पावर होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 क्लॉज 1 के तहत इस चीज के बारे में बताया हुआ, हुआ है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज ऑर्डर कर रही है तो वो बहुत पावरफुल होती है और अनटिल की पार्लियामेंट अगर उसको चेंज ना करे उस ऑर्डर को चेंज ना करे बाद में आकर तब तक वो ऑर्डर जो होता है वो एप्लीकेबल होता है या फिर अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करके प्रेस्क्राइब ना करें कि किस प्रकार के से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को चेंज करना है तब तक वो ऑर्डर इन्फोर्सेबल रहेगा लागू रहेगा राइट रहे तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती थी, थी जैसा पार्लियामेंट कानून बनाती है जो कानून जो होता है सेम वैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर पास करके अप्लाई कर सकते हैं अपने डायरेक्शंस को 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 रूलिंग्स प्रोसीडिंग्स है है ना तो हाँ पर ये। तो पर बताई गई इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए अब बात करेंगे गोवा के सिविल कोड के बारे में गोवा की नागरिक संहिता के बारे में तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े जी ने रिसेंटली अप्रिशिएट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को गोवा के अंदर और एक ऐसी स्टेट है गोवा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें देखने को मिलता है तो इसके बारे में, में, में। तो को स्टडी करें राइट और गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो गोवा का पोर्चुज सिविल कोड था ये 1867 का सॉरी और ये एक एलियन कोड है पोर्चुज कोड क्योंकि राइट right? जिसे पोर्चुगीज के द्वारा दिया गया था और गोवा सिविल कोर्ट के चार पार्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि किन किन चीजों से डील करते हैं सिविल कैपेसिटी से डील करते हैं नागरिकों की धारण शक्ति सिविल कैपेसिटी से डील करते हैं एक्यूजिशन ऑफ राइट से डील करते हैं अधिकारों का अधिग्रहण और राइट्स टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार ब्रीच ऑफ राइट्स एंड रेमिडी अधिकारों और उपचारों का उल्लंघन से संबंधी ये चार पार्ट हम लोग को गोवा सिविल कोर्ट के देखने को मिलते हैं और इसकी शुरुआत होती है सिविल कोर्ट की भगवान के नाम पर डॉम लुइस जो कि पोर्चुगल के शासक राजा पोर्चुगल और, और अलगार्वेज के राजा ये हम लोग को डॉम लुइस देखने को मिलते तो इनके नाम पर शुरू हुआ है ये सिविल कोर्ट राइट गोवा सिविल कोर्ट और ये कोर्ट जो है गाइस ये अभी तक कंटिन्यू जो है वो है गोवा दमन ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के सेक्शन फाइव क्लॉज वन के अंदर हम लोगों ने इसको शामिल करके इस इसकी इसको इसकी इसको कंटिन्यू रखा प्रेजेंस को राइट right? परमिट किया है हमने कि ये किू रहे इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू हमारे राइट गोवा दमन एंड ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट दियू और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फोर्टी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, में है तो क्वेश्चन आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यूसीसी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है तो अनुच्छेद चवालीस ध्यान में रखना आर्टिकल फोर्टी फोर ये कहता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि स्टेट को अपने सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए और पूरी कंट्री में पूरे इंडिया में उसको एप्लीकेबल करना चाहिए और आपको बता दें आर्टिकल फोर्टी फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आता है राइट तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो ये सिर्फ एक गाइडलाइन ही है और इसको यूज करना या ना यूज करना ये पूरा सरकार के कंट्रोल uh, में रहता है यानी कि सरकार अगर चाहे तो उसको अप्लाई करवा सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्ना नहीं करवा सकती है और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन uh, के प्रोविजन आपको पता होने चाहिए ठीक है गई से डिस्कस करेंगे इंडो पैसिफिक के बारे में तो बताया जा रहा है कि काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल दिया है कंक्लूजन को जो यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटजी फॉर कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक का देखने को मिल रहा है तो यूरोपियन यूनियन की स्ट्रैटेजी है कॉपरेशन की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसका कंक्लूजन मतलब कि आसान भाषा में अगर मैं आपको ये चीज़ को सुनाऊँ क्योंकि ये वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो एक स्ट्रैटेजी बना रही है यूरोपियन यूनियन की ये कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगी या फिर इन्वॉल्व होगी राइट अपना कॉपरेशन देगी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तो उसकी इन्होंने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी है उस स्ट्रैटेजी के कंक्लूजन को फाइनल को अप्रूव जो है वो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया और ये जो स्ट्रेटजी है ये किन किन चीज़ों से रिलेटेड है तो ये स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजिक फोकस प्रेजेंस और एक्शन यूरोपियन यूनियन का उसको री करेगी मतलब कि ये रणनीतिक फोकस उपस्थिति और कार्रवाई को सुदृढ़ करने हेतु इसकी ये स्ट्रैटेजी हम लोग को देखने को मिल रही है डॉक्यूमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है यूरोपियन यूनियन का एम ये है कि ये कंट्रीब्यूट करेगी रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो स्टेबल रहे वहां पर किसी प्रकार की जंग की स्थिति ना क्रिएट हो या किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो सिक्योरिटी वहाँ पर मेन्टेन करने पर फोकस किया जाएगा प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ की बात की जाएगी कि उस क्षेत्र में ग्रोथ हो राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो राइट और इस उस समय पर जिस समय पर इस क्षेत्र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रहे स्पेशली इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को लेकर भी काफी इशू आप लोग को पता ही है कि समय समय पर हम लोग को देखने को मिलता ही रहता है राइट right? तो इसको लेकर यूरोपियन यूनियन की ये स्ट्रैटेजी हम लोग को देखने को मिल रही है और यूरोपियन यूनियन अपने कमिटमेंट्स को रिन्यू कर रही है इंडो पैसिफिक पर और किस प्रकार किस के इसके ये रिन्यूड कमिटमेंट्स होंगे तो लॉन्ग टर्म फोकस होगा जिसमें डेमोक्रेसी को मतलब बनाए रखने की बात की जा रही है ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है मानवीय अधिकारों की लोकतंत्र की कानून के शासन की यानी कि रूल ऑफ लॉ की अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान को बनाए रखने की रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ की तो इन सब चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है लॉन्ग टर्म फोकस किया जा रहा है इन सब एरियाज़ पर एम यह है कि इफेक्टिव रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना नियम आधारित प्रभावी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना इसका मेन एम ये है कि सभी कंट्रीज़ यानी कि इस क्षेत्र में सभी कंट्रीज़ जो है वो अपने अपने डिसीजन सामने रखें सबके डिसीजन के आधार पर ही एक्शन लिए जाए इस क्षेत्र पर तो मल्टीलैटरिज्म पर फोकस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कोविड पैंडेमिक के कारण जो इकोनॉमिक और ह्यूमंस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है उसको कम करना है तो राइट सबको साथ में मिलकर तो इस पर मेनली फोकस किया जा रहा है और सब साथ में मिलकर काम करें यह इंश्योर करने के लिए कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी हो जो इंपैक्ट जो पड़ा है कोरोना वायरस का उसको हम लोग वापस से रिकवर करें और कई इसकी आवश्यकता के पीछे के क्या कारण है तो जो करेंट डायनेमिक हम लोग को इंडो पैसिफिक क्षेत्र का देखने को मिलता है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंटेंस जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है जिसके कारण से टेंशन ट्रेड और सप्लाई चेन में बढ़ चुकी और और भी दूसरे एरियाज में टेंशन बढ़ चुकी जैसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के मामले में भी इवन कई बार ह्यूमन राइट्स भी चैलेंज हुआ है मतलब कि ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन हुआ है कई कई मामलों में तो इस प्रकार के जो डेवलपमेंट्स हैं इस प्रकार की जो स्ट्रैटेजी है इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसमें ग्रोथ लाने की उसको डेवलप करने की तो ये क्या करेगा इस प्रकार के डेवलपमेंट्स ये जो इश्यूज़ जो हो रहे हैं जो चैलेंजेस जो हो रहे हैं इस एरिया पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर उसको रिजोल्व करने का काम करेंगे इस क्षेत्र की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का जो इंटरेस्ट है राइट तो उसके लिए भी ये क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा काम करने वाला है यूरोपियन यूनियन के लिए क्योंकि देखो अल्टीमेटली हर एक कंट्री को क्या चाहिए एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड उसका बढ़े व्यापार उसका बढ़े ये उसका मेन फोकस होता है हर एक कंट्री का तो यूरोपियन यूनियन क्या फोकस कर रही है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस को या अपने इन्वॉल्वमेंट को रखकर या उस क्षेत्र में अपना योगदान देकर अपना एक्टिव इन्वॉल्व होकर ये क्या करेगी अपने लिए रास्ता ओपन करेगी जिससे कि कभी भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र से Uh, किसी प्रकार की ट्रेड और कॉमर्स में रुकावट जो है वो यूरोपियन यूनियन को ना आए और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन जब इन्वॉल्व होगी तो ऑब्वियस यही बात है कि उसका भी पर्सनल बेनिफिट होगा पर्सनल जो उसका इंटरेस्ट है वो, वो भी यहां पर होगा क्योंकि देखो कोई भी कंट्री इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी सीख मैं आपको देता हूँ कोई भी कंट्री किसी के साथ भी बिना अपने इंटरेस्ट के रिलेशन नहीं क्रिएट करती जब भी भी कोई कंट्री इन्वॉल्व होती है कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है या कोई भी पर्टिकुलर फोरम में कोई भी डिस्कशन होता है तो एक कंट्री जब बात बोलती है तो वो अपने इंटरेस्ट को दर्शाती है तो यूरोपियन यूनियन का यही इंटरेस्ट है कि उसको एक बड़ा मार्केट चाहिए या फिर इन फ्यूचर उसके लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमेशा ओपन रहे तो इसलिए वो अपनी इस प्रकार की स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहा है इस प्रकार से इन्वॉल्व हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में राइट right? तो ये अली बात यहां पर बताई गई इंडो पैसिफिक क्या है इस चीज को हम लोग समझते हैं तो ये आइडिया जो इंडो पैसिफिक का है ये सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस है राइट right? जिस जगह पर चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन पर बढ़ती जा रही है तो वहां पर इंडो पैसिफिक का अर्थ या आइडिया यह होता है स्ट्रेटेजिकस्पेक्टिव से स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस के परस्पेक्टिव से यह चीज आप थोड़ी सी क्लियर रखना यह क्या सिग्निफाई करता है इंटरकनेक्टेडनेस इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशियन का राइट right? और ये इंपॉर्टेंस ओशियन की हम लोग को जो देखने को मिलती है वो ओशियन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए और ट्रेड और कॉमर्स स्मूथ रहे उसके लिए हम लोग को देखने को मिलती है ठीक है तो यही चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में और इंपॉर्टेंस क्या है इंडो पैसिफिक क्षेत्र की तो इस क्षेत्र में रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडो पैसिफिक का ये आइडिया इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन रहे राइट और इस क्षेत्र पे हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है राइट यूएसए का जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक पॉस्चर को बढ़ा देता है अच्छा करता है यानी कि हमारे डिफेंस पॉस्चर को इंक्रीज कर देता है यूएसए के इन्वॉल्वमेंट के साथ राइट right? और लॉन्ग टर्म विजन हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ये सर्व करता है और चाइना का एक्टिव और बढ़ता हुआ प्रेजेंस हम लोग को इंडियन ओशियन रीजन पर देखने को मिल रहा है और चाइना के एफर्ट्स की उसे एशिया में अपने जियोपॉलिटिकल रीच को बढ़ाना है एक्सपेंड करना है और साथ ही साथ ट्रेड और मिलिट्री का उपयोग इसका हमें देखने को मिलता है चाइना की तरफ से राइट right? इसके अलावा यहाँ पर फोकस किया जाता है कि नेविगेशन का फ्रीडम रहे मतलब कि किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो किसी भी तरीके से जहाजों की राइट right? और रूल बेस्ड ऑर्डर के ऊपर आधारित हो पूरी चीज़ है स्टेबल ट्रेड एनवायरमेंट रहे राइट right? और फ्री सी और एयरलाइंस कनेक्टिविटी के लिए यहां पर इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स को अपहोल्ड किया जाता है यानी कि उसको बनाए रखा जाता है इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स को Right? कि कि किसी प्रकार की इस एरिया पर इंडो एरिया पर रुकावट ना हो ट्रेड वगैरह पर रुकावट ना हो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो किया जाए ट्रेड वगैरह के लिए right? सभी right? तो सब चीजें को मिलती है तो इंप्लीकेशन इंडिया के लिए क्या है इंडो पैसेफिक रीजन में तो देखो इंडो पैसिफिक जिसे डिस्क्राइब करते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के तौर पर भी या, ये एरिया जो है वो पूरे दुनिया भर की मेजर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और इकोनॉमी वाइज की भी अगर हम लोग बात करें तो पूरे दुनिया भर की एक मेजर इकोनॉमिक शेयर इस क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है यानी कि इस क्षेत्र की जो कंट्री है वो मेजर इकोनॉमिक शेयर रखती है पूरे दुनिया भर में राइट और ये जो एरिया है ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट से शुरू होकर यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट शोर तक का हम लोग को देखने को मिलता है और इंडिया हमेशा से ही इंडिया के नेशनल एम्बिशन रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर साथ ही साथ हम लोगों ने हमेशा ही इस इस कॉन्सेप्ट को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हमेशा इसकी uh, इसको एडवोकेट किया इसका सपोर्ट किया है राइट इसके बैकिंग पर हमेशा हम लोग रहे हैं राइट और जब हम लोग ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो इंडिया ने अपने इंडियन ओशन नेबर्स के साथ कनेक्ट किया और मेजर मैरीटाइम पावर्स पूरे दुनिया भर की जो है उनके साथ भी कनेक्ट किया तो ये एरिया हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक वाइज भी और हमारे जो एम्बिशन है उस परस्पेक्टिव से भी इंडो पैसिफिक का क्षेत्र ठीक है तो यही चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक बेसिक सी जानकारी एक आइडिया होना चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड सो सोगा चाइना के ऊपर आरोप लगाया है ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना यह है इसने अपील करी है यूनाइटेड नेशन से कि यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेट करे और आरोप लगाया है चाइनीज सरकार के ऊपर कि चाइनीज सरकार उइगुर मुस्लिम्स के अगें जो कि जिंग जियांग क्षेत्र में रह रही है तो चाइना के अगर आप वेस्ट साइड पे देखेंगे ऊपर साइड वेस्ट पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो वहां पर एक एरिया है जिसे हम लोग जिन्ग जियांग के नाम से जानते हैं तो वहां पर उइगुर मुस्लिम्स को कैद करके रखा हुआ है चाइना ने ऐसा आरोप जो है वो चाइना के ऊपर है और ये आरोप जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है क्योंकि इसकी रिपोर्ट कई बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना जो है वो उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो है वो अत्याचार करता है उनको बंद करके रखा हुआ है इवन काफी सारे उइगुर मुस्लिम्स को मार्ट तक डाला है इसने और डेली बेसिस पर डेली बेसिस पर उइगुर मुस्लिम्स गायब होते हैं मतलब कि उनको मार दिया जाता है चाइना के अंदर तो ऐसे आरोप चाइना के ऊपर आते हैं तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसी प्रकार की अपील करी है यूनाइटेड नेशन से कि यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेट करे चाइना के ऊपर तो पूरा मुद्दा क्या है तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो ये है इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि भारी मात्रा में मुस्लिम्स को बंदी बना के रखा हुआ है जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में जो है चाइना के राइट उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर रोक लगा के रखी हुई है राइट और भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट अलग अलग एक्शन जो है वो चाइना ले रही है राइट तो इस प्रकार से उसने प्रताड़ित करके रखा है वहां के लोगों को कहना यह है कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है और इस चीज को डिफाइन किया हुआ है बाकायदा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिस पर्टिकुलर ट्रीटी के थ्रू स्टैब्बलिश हुई थी तो उस ट्रीटी में ये डिफाइंड है इस प्रकार के क्राइम्स के बारे में मैंशनड है कि इस प्रकार का क्राइम जो जब होता है तब ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है राइट right? तो क्या किया जाना चाहिए तो चाइना रोम स्टैट्यूट की पार्टी नहीं है मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो ज्यूरिस्डिक्शन है टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ये चाइना के ऊपर नहीं चलेंगे राइट right? तो चाइना जो है वो उसकी पार्टी नहीं है बट चाइना जो है वो अपनी वीटो पावर का उपयोग करती है क्योंकि वो परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर है तो वो चाइनीज ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए वो अपनी वीटो पावर का उपयोग करती है इसलिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को अब एक बॉडी क्रिएट करनी चाहिए जो कि चाइना के ऊपर इस प्रकार के जो आरोप हैं चार्जेस जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सके आइडेंटिफाई कर सके जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं और एक प्रॉपर मैप प्रोवाइड कर सके कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए राइट तो एक अलग बॉडी को क्रिएट करने की आवश्यकता बताई जा रही है आपको बता दें एक मिलियन लोग यानी कि दस लाख लोग से भी ज्यादा लोगों को कैंप्स में बंदी बनाकर रखा हुआ है जिंग जियान प्रोविंस के अंदर चाइना ने राइट और ऐसा फॉरिन गवर्नमेंट्स और रिसर्चर्स के थ्रू हम लोग को पता लगा और अथॉरिटीज जो है इन्होंने इन, इन, ये भी आरोप लगाए कि बर्थ कंट्रोल्स करवाया जाता है फोर्सफुली राइट right? यानी कि मुस्लिम जो है वो अपने बच्चे पैदा ना करें तो फोर्सफुल बर्थ कंट्रोल करवा के रखा हुआ है चाइना ने साथ ही साथ उनको फोर्स लेबर में भी इन्वॉल्व करके रखा हुआ है और चाइनीज गवर्नमेंट हालांकि इस प्रकार की कंप्लेंट्स को रिजेक्ट करती है बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है राइट right? उसका कहना यह है रहता है कि हम लोगों ने जिंगजिया प्रोविंस में जो कैंप्स बना के रखे हैं वो जॉब ट्रेनिंग के लिए है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है और रेडिकलिज्म को कट्टरपंथ को जो है वो कॉम करने के लिए है तो वो बिल्कुल मुकर जाता है कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं वो तो बिल्कुल इनोसेंट सा बच्चा है राइट चाइना ऐसी बात बोलता है बट ऐसा है नहीं उईर मुस्लिम्स की तो हालांकि ना जाने कितनी बार हम लोग रिपोर्ट को कवर कर ही चुके हैं अगर आप रेगुलर फॉलोअर होंगे तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में राइट चलो अनिवेज अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की बात करेंगे एस आई एस एफ एस की बात करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए नाम से स्टार्टअप इंडिया यानी कि हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप होते हैं तो उनको फंड प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम है तो उनकी फंडिंग के के लिए उनकी के लिए उनकी फाइनेंसिंग ये स्कीम है तो स्टार्टअप सीड फंड स्कीम के बारे में बात करते हैं तो फंड का ये मेन पर्पस क्या है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना स्टार्टअप्स को उनके प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए राइट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट समझते हो ना जैसे कि मैं हूं मुझे अगर कोई एक स्टार्टअप जैसे मुझे लॉन्च करना है और मेरे दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया है तो उस आइडिया को मैं ऑन पेपर लिखूंगा तो मेरा जो ये क्या है ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या करने वाला हूँ मेरा स्टार्टअप कैसा होगा उसका पूरा ब्लू मैंने तैयार किया अब मैं दिखाऊंगा इन्वेस्टर को कि देखो ये वाली चीज़ है मेरे स्टार्टअप पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इस प्रकार से अपन प्रॉफिट कमा पाएंगे तो ये वाली चीज़ होती है तो उसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए उस स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए मार्केट में एंट्री करने के लिए या कमर्शलाइज करने के लिए तो उसको पैसे मिल जाते हैं फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है और 944 करोड़ रुपीज का ये कॉर्पस uh, है इसका और जो कि चार अगले चार सालों में डिवाइड किया जा रहा है फोर इयर्स के लिए है इसमें एलिजिबल uh, स्टार्टअप जो है उनको एलिजिबल इंक्यूबेटर्स के थ्रू इंक्यूबेटर्स आपको पता होगा इंक्यूबेटर्स बेसिकली हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स की ग्रोथ करने में तो एलिजिबल इंक्यूबेटर्स के थ्रू एलिजिबल स्टार्टअप्स को फंडिंग ऑफर की जाएगी इस स्कीम के थ्रू स्टार्टअप इंडिया सीट फंड स्कीम के थ्रू राइट तो चीज़ हाँ जा रही। और इस जो है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी मदद करेगी और इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है ये जो पूरी स्कीम को देखेगा वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और इस प्रकार की स्कीम की क्या महत्व तो है तो ये बेसिकली सिक्योर करेगी सीड फंडिंग को इनोवेशन को इंस्पायर करेगी ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हमारी कंट्री में हो ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज को सपोर्ट करेगी इंप्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट करेगी स्टार्ट स्टार्टअप रेवोल्यूशन यानी कि स्टार्टअप रेवोल्यूशन को शुरू करेगी राइट तो इसका ये महत्व हम लोग को देखने को मिलता है और स्कीम जो है वो एक बेहतरीन रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करेगी पर्टिकुलरली टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में हमारे इंडिया के जहां पर एडिक्वेट फंडिंग वगैरह मिलना मुश्किल हो जाता है पर इन्वेस्टर्स का मिलना मुश्किल हो जाता है और इस प्रकार की स्कीम की क्या आवश्यकता है तो इससे इजिली कैपिटल अवेलेबल होगा ऑन्टरप्रनियस के लिए राइट अर्ली स्टेज पर ही जिससे कि उनका एंटरप्राइज बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सके राइट right? तो ये इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलेंगे और इस स्कीम की इस चीज के लिए आवश्यकता है और जो स्टार्टअप्स जिन्हें एंजल इन्वेस्टर्स से फाइनेंस मिलता है वेंचर कैपिटल फर्म से उन्हें फाइनेंस मिलता है वो तभी मिलता है जब वो अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं राइट जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया सिमिलरली बैंक भी लोन्स तभी प्रोवाइड कराती है जब उन्हें लगता है कि सामने वाले ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने एसेट के सबमिट किए हैं कि नहीं क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बैंकों को तो चाहिए आप कोई भी चीज गिरवी रखोगे उसकी ये भी हाफ में ही बैंक लोन दे पाएगी है ना ऐसे तो बैंक नहीं लोन दे पाएगी हमारी बैंक ऑलरेडी स्ट्रेस में है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए हमारी बैंक के पास ऑलरेडी काफ़ी ज्यादा है राइट तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस प्रकार की सीड फंडिंग स्टार्टअप्स के लिए होना क्योंकि तो ये आ, इससे स्टार्टअप प्रमोट होंगे ज्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे और ज़्यादा से ज्यादा स्टार्टअप देखने को मिलेंगे तो इसको आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से भी लिंक करेंगे राइट कि उससे हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी राइट तो ये बात बड़ी बात बताए यारी जो भी स्टार्टअप्स हैं इनके पास वा इनोवेटिव आइडिया है तो वो अपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ट्रायल्स के लिए उनको फंड मिल सकता है राइट फाइनेंस उनको मिल सकता है तो ये वाली बात यहां पर बताई गई तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक स्टार्टअप इंडिया सीट फंड स्कीम से रिलेटेड अब एक कमिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग बट बिफोर दैट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं एआरसी क्या होती हैं पहले मैं ये आपको समझाता हूँ तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं पहले ये जानो फिर एक कमिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि एआरसी को को इस कंपनी रिव्यू करने के लिए तैयार की गई है आरबीआई के द्वारा तो देखो ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एनपीए को बाय करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बाय करता है जैसे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर जैसे कि एक व्यक्ति है ठीक है एक एक्स व्यक्ति है इसने बैंक से लोन लिया अब ये व्यक्ति बोल रहा है कि अब मैं लोन नहीं चुकाऊंगा कर लो जो करना है ठीक है तो आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा कि बैंकों की तरफ से वो बॉडी बिल्डर टाइप के कुछ लोग जाते हैं आ, सामने वाले को हुल देने किला भाई पैसा दे वापस दे बैंक से पैसा लिया तूने राइट तो वो जो लोग जो होते हैं ना वो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी के होते हैं आप समझ गए हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं तो रिकवरी के लिए ये कंपनी होती है बट एक्चुअली ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती है तो जो भी डील हुई होती है सामने वाली व्यक्ति की कस्टमर की और बैंक की तो ये उस डील को वो कंपनी परचेस कर लेती है मतलब कि वो बोलती है कि बैंक से कि आपने सामने वाले व्यक्ति को लोन दिया ठीक है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दिया क्या है पूरा वो देख लेती है आकलन कर लेती है फिर ये क्या करती है कि मतलब दोनों बैंक और ये कंपनी मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि क्या रेट होना चाहिए डिसाइड होना चाहिए जिससे कि इस कंपनी का भी फायदा हो क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है कि रिस्क ये कंपनी पूरा पूरा एक तरह से रिस्क ही ले रही है यानी कि मरे हुए माल को परचेस कर रही है यानी कि जिसकी कीमत मिल गई तो मिल गई नहीं मिली तो नहीं मिली है ना तो अब ये कंपनी बैंक के साथ डील करने के बाद ये बैंक के एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट को परचेज कर लेती है फिर वो बोलती है कि मैं डील करूंगा अपने हिसाब से जैसे मुझे डील करना है जैसे कि अगर किसी कोई व्यक्ति लोन नहीं दे रहा है मैं उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके लोन निकलवाऊंगा या फिर उससे जो अपनी प्रॉपर्टी को अटैच करके रखा हुआ है जब्त करके रखा हुआ उसको मैं सेल करूंगा अपने वो मेरी प्रॉब्लम होगी राइट तो इस प्रकार से ये कंपनी काम करती है अब समझ में आ गया होगा आपको एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या होता है राइट तो ये क्या करते हैं ये कंपनी आई इसलिए है क्योंकि बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लीन रखना हो मतलब कि बैंक्स अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रख सके और बैंक सिर्फ अपने नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज पे कॉन्सेंट्रेट करें रैदर देन की वो अपने डिफॉल्टर्स और इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करें राइट कि डिफ़ॉल्टर्स को कॉल करके या डिफ़ॉल्टर्स के साथ डील कर करके बार बार अपना टाइम वेस्ट करें उससे बेटर है कि वो अपनी एक कंपनी को दे दे, यानी कि कंपनी को पूरा ये बर्डन ट्रांसफ़र कर दे अपना और फिर वो कंपनी अपने हिसाब से डील करें

सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 इसके अंदर बाकायदा है कि इंडिया के अंदर एआरसी को सेटअप किया जा सकता है और सरफेसी एक्ट हेल्प करती है बैड एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर रिकंस्ट्रक्ट करने में बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के मतलब बिना किसी कोर्ट के हस्ताक्षेप के बाहर ही जो है वो पूरा मामला रिजोल्व हो जाता है यानी कि इस प्रकार के डिफॉल्ट वगैरह जो होते हैं वो बाहर ही रिजोल्व हो जाते हैं और कैपिटल की क्या आवश्यकता होती है एआरसी को सेटअप करने के लिए तो अमेंडमेंट जब किया गया था सरफेस 2016 का तब उस समय यह कहा गया था कि एआरसी जो सेटअप की जाएगी उसमें मिनिमम नेट ओन फंड जो होना चाहिए वो दो करोड़ का होना चाहिए फिर बाद में 2017 में इस दो करोड़ को बढ़ाकर कर सौ करोड़ कर दिया आरबीआई ने राइट और इवन यह भी कहा कि ए को कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो सी अपना पंद्रह अपने रिस्क वेटेड का रखना है अब एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का एक टर्म है सीएआर कैपिटल एडिक्यूएसि रेशियो ये क्या होता है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मुझे लिखकर बताइएगा जो बुक में है तो कार की बुक में डेफिनेशन क्या है कार मतलब वो कार चलाने वाली नहीं कैपिटल एडिक्यूएसी रेशियो ठीक है इसकी डेफिनेशन नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए राइट तो ये है एसेट ट्री कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप करी है कंपनी को रिव्यू करने के लिए कमिटी यानी कि ये सेटअप करी है जो कि देखेगी जांच करेगी फिर अपना रिकमेंडेशन देगी कि किस प्रकार से एआरसी काम कर रही है तो इसको हेड किया है सुदर्शन सेन जी के द्वारा तो सेन कमेटी हमें देखने को मिल रही है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेगी कि ऐसे ट्री कंस्ट्रक्शन कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है राइट फाइनेंशियल सेक्टर इकोसिस्टम में और रिकमेंड करेगी कि तौर तरीके सुटेबल मेजर्स वगैरह कि कैसे आज की रेट में जो बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट एआरसी की है उसको कैसे फुलफिल किया जा सके राइट right? और इसमें इसका और क्या काम होगा तो जो भी एग्जिस्टिंग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होंगे जो एआरसी में एप्लीकेबल होंगे तो उसको रिव्यू करेगी यानी कि जो भी लॉज वगैरह हैं ए से रिलेटेड तो उसको भी देखेगी चेक करेगी और रिकमेंड करेगी कि क्या कैसे ए की एफिशियंसी को इम्प्रूव किया जा सके और रिव्यू करेगी ए के रोल को कि स्ट्रेस एसेट को रिजॉल्व करने में मैनेज करने में मेंटेन करने में जो यानी कि एनपीए वगैरह जो होती है बैंकों की तो उसको मैनेज करने में किस प्रकार से कार्य करती है एआरसी उसको चेक करेगी इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी इन्वॉल्व है अपना सजेशन भी देगी कि कैसे लिक्विडिटी को इम्प्रूव किया जा सके राइट right? uh, और ट्रेडिंग जो है वो इस प्रकार की सिक्योरिटी रिसीट की वो किस प्रकार से कंडक्ट की जाए तो उसके बारे में भी ये अपना रिकमेंडेशन देगी ये सेम कमेटी ठीक है तो ये वाली चीज है इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के बारे में तो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ये सात इंस्टीट्यूशन यूरोपियन यूनियन के हैं उनमें से तीसरा इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन में लिस्टेड है राइट right? ये तीन में से एक लेजिस्लेटिव बॉडीज के तौर पर काम करता है यानी कि टोटल तीन लेजिस्लेटिव बॉडी है उनमें से एक है ये मिलकर काम करता है यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ जब भी भी किसी भी यूरोपियन कमीशन किसी प्रपोजल को अमेंड करता है या अप्रूव करता है तो उसमें ये काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की भी आवश्यकता होती है राइट और इसकी शुरुआत हुई थी एक जुलाई नाइनटीन को और प्राइमरी पर्पज इस काउंसिल का हम लोग को ये देखने को मिलता है कि दो में से एक वीटोइंग बॉडीज यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेटिव ब्रांच की हमें देखने को मिलती है दूसरी है यूरोपियन पार्लियामेंट तो जैसे देखो आसान भाषा में आपको समझाऊं यूरोपियन पार्लियामेंट जो है जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है तो वैसे ही पूरे यूरोप को के अंदर जो हम लोग को रूल्स रेगुलेशन लॉज देखने को मिलते हैं ना उसकी जो बॉडी होती है एक होती है यूरोपियन पार्लियामेंट और दूसरी होती है मेन बॉडी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होती है वो ये काउंसिल होती है राइट काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना एक काउंसिल ऑफ़ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट ये दो बॉडीज यूरोपियन यूनियन की लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है ठीक है तो ये चीज है और जितने भी कानून वगैरह जो होते हैं लॉज वगैरह जो होते हैं उसको अप्रूव करना डिसअप्रूव करना अमेंड करना तो ये दोनों बॉडी करती हैं इस प्रकार से राइट और ज्वाइंटली पार्लियामेंट के साथ वही चीज़ मैंने आपको बताई पार्लियामेंट के साथ मिलकर ये काउंसिल के पास बजेटरी पावर भी हम लोग को देखने को मिलती है यूनियन की ठीक है तो ये चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट रशिया जो है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2025 में लॉन्च करेगा ऐसा रशिया का कहना है रशिया स्पेस एजेंसी प्लान कर रही है कि ये अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन 2025 में लॉन्च करेगी रशिया कंसिडर कर रही है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से अब विद्रॉ कर जाएगी और क्योंकि रशिया की मोनोपोली अब हट गई है मैंड फ्लाइट की जो आई एस आई के पास थी अभी तक इसकी तो पिछले साल जब से सक्सेसफुल uh, मिशन हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एक्स कंपनी का देखने को मिला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तब से जो मोनोपोली है मैंड मिशन की या मैंड फ्लाइट्स की आईएसएस तक क्योंकि अभी तक सिर्फ रशिया ही मैंड मिशन या मैंड फ्लाइट जो है वो भेजता था अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किसी अगर एस्ट्रोनॉट को भेजना है तो वो रशिया की जमीन से जाता था राइट क्योंकि उसी के पास सिर्फ मोनोपोली हुआ करती थी बट अब जब से स्पेस ने अपने मिशन सक्सेसफुल लॉन्च किया अपने मिशन को तब से हमें देखने को मिला कि मोनोपोली रशिया की टूट गई है तो अब रशिया बोल रहा है कि मैं खुद अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करूंगा खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करूंगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या तो 1998 में से लॉन्च किया गया था जिसमें रशिया यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडा जापान यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व थी और ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस इंटरनेशनल कोलेबरेशन है अभी तक की ह्यूमन हिस्ट्री में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है यानी कि हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में और गईज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज हैं आप जरूर देखिएगा वीडियोज को मजा आ जाएगा आपको देखकर इवन लगेगा भी कि आप भी अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होंगे तो कितना मजा आएगा क्योंकि आप आपको देखिएगा वहां पे बिल्कुल फ्लोट करते हैं तैरते हैं और बहुत बड़ा सा स्टेशन है यार मतलब मान के चलो कि ऐसा लगेगा कि कोई ऑफिस है राइट बेहतरीन सो ऑफिस है और लिटरली वो ऑफिस तो ही है वैसे वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो एक तो अगर उनको कोई स्पेस मिशन में जाना होता है तो वहाँ पर वो हॉल्ट लेते हैं या तो किसी स्टडी के लिए रिसर्च के लिए वहाँ पर जाते हैं वो राइट साइंटिस्ट रिसर्चर तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सर्व करता है एक माइक्रो ग्रेविटी और स्पेस एनवायरमेंट रिसर्च लेबॉर्टरी की तरह तो देखो ये स्पेस का रिसर्च लेबॉटरी है राइट right? जहाँ पर साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी के एस्ट्रोनॉमी के मेट्रोलॉजी के फिजिक्स के और भी दूसरी फील्ड के और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती का चक्कर लगाती है मात्र 93 मिनट्स में पूरी धरती का चक्कर लगाती है और एक दिन में 15.5 पॉइंट ऑर्बिट्स कंप्लीट करती है ये और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये नाइन्थ स्पेस स्टेशन है जहाँ पर क्रूज वगैरह जा जाते हैं यानी जहाँ पर क्रूज़ रहते हैं राइट right? इसके अलावा सोवियत फिर रशियन सलियूथ फिर अलमाज फिर मीर स्टेशन और भी काफी सारे हैं जैसे कि स्काई लैब जो यूएसए की तरफ से हमें देखने को मिलता है तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए याद रखना दो तक प्लानिंग चल रही है कि रशिया अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा अब बात करेंगे ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन लोकल सोल्यूशन कैंपेन के बारे में तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाएं जो बहुत सारी जो एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की और युवा संगठन संगठनों यूथ ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा एक साथ मिलकर एक अनोखा अभियान शुरू किया गया है जिसमें कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित युवाओं की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए विश्व भर से युवाओं को शामिल किया जाएगा तो पूरे दुनिया भर से युवाओं को शामिल किया जा रहा है मोटिवेट किया जा रहा है क्योंकि काफी सारी युद्ध जो है वो पेंडेमिक में फंस गए हैं पेंडेमिक की चपेट में आ गए हैं हेल्थ वाइज भी इकोनॉमी वाइज भी राइट तो उनको दोबारा से मोटिवेट करना दोबारा से उनको ट्रैक में लेकर आने के लिए ये कैंपेन है तो ग्लोबल यूथ मोबलाइजेशन लोकल सोल्यूशन कैंपेन अप्रैल 19 2021 को ये शुरू किया गया है अभी रीसेंट पास में ही इसका मैंडेट क्या है तो फंड प्रोवाइड कराना यूथ को सभी कम्युनिटीज़ के जो भी पैंडमिक के कारण इंपैक्ट हुए हैं राइट कि वो नए नए प्रोग्राम्स जो है वो लेकर आए इनोवेटिव प्रोग्राम्स वगैरह अपनी लाइफ्स को रीबिल्ड करने के लिए तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर इस कैंपेन के थ्रू फंडिंग जो है वो युवाओं को प्रोवाइड कराना कि युवाओं जो है वापस से ट्रैक पर आ जाए और इनिशियल टू मिलियन यूएस डॉलर यहां पर खर्चे जाएंगे मतलब पंद्रह करोड़ रुपीज की फंडिंग यहां पर रखी गई है और चार टीयर्स में ये होने वाली है पाँच सौ डॉलर से लेकर पाँच हज़ार यू डॉलर तक की फंडिंग होगी और ये एक्सेलरेटेड प्रोग्राम भी इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा जिसमें जो भी मोस्ट प्रोमिसिंग सॉल्यूशन है यानी कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल सटीक तरीके से युवाओं की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने से रिलेटेड होगा तो उसमें ये फंडिंग लगाई जाएगी फिर आने वाले समय में और भी दूसरी जगहों पर दूसरे एरियाज़ पर फंडिंग लगाई जाएंगी जिससे कि Uh, जो युवाओं की लाइफ जो है वो दोबारा से ट्रैक पर लाई जा सके राइट right? और इसे छह दुनिया की लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड है वर्ल्ड अलायंस ऑफ यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन का वर्ल्ड यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन का वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट का वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज का ड्यूक ऑफ ईडन इंटरनेशनल अवार्ड का तो ये छह संस्थाएं हैं पूरे दुनिया भर के युवा संस्था जिनका सपोर्ट जो है वो प्रोवाइडेड है इस पर्टिकुलर कैंपेन को अब हम लोग बात करेंगे बाओ फोरम के बारे में बोआओ बोआओ फोरम के बारे में तो बोआओ बेसिकली आपको बता दें एक जगह है जो चाइना के अंदर हमें देखने को मिलती है साउथ चाइना की हनान प्रोविंस के अंदर है ये राइट तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी इस फोरम की ए एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 की अभी रिसेंटली हुई है इस साल की कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया है 2600 सौ से भी ज़्यादा गेस्ट के द्वारा 2600 से भी ज़्यादा गेस्ट के द्वारा जो कि साठ से भी ज़्यादा कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं इसकी जो थीम है वो है अ वर्ल्ड इन चेंज अ वर्ल्ड इन चेंज जॉइन हैंड टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन तो देखो बेल्ट एंड रोड के पीछे ही बड़ा हुआ है चाइना राइट तो इस इवेंट में ये जो फोरम है ये बाओ फोरम फॉर एशिया इसने अपनी एनुअल रिपोर्ट एशियन इकोनॉमी के ऊपर रिलीज़ करी है यानी कि एशियन इकोनॉमी के बारे में इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है तो परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में एशिया का शेयर 2020 में पूरे दुनिया भर में बढ़ा है 47.3 परसेंट हो गया 0.9 पॉइंट परसेंट पॉइंट की बढ़ोतरी दो के मुकाबले यहाँ पर हुई है तो बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी में पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी में एशिया का एक मेजर रोल रहा है राइट right? पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए तो ऐसा इस ऐस रिपोर्ट ने बताया और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एशियन इकोनॉमीज का एक्सेलरेट हुआ यानी कि सब कंट्रीज जो है वो एशिया की मिलकर बढ़ रही हैं यानी कि ग्रोथ कर रही हैं तो ऐसा इसने ऐस बताया और फेबर 2021 तक 186 रीजनल एग्रीमेंट्स अभी तक हुए हैं राइट एशिया के अंदर और एशिया के बाहर और बताया जा रहा है कि ये 54.9 परसेंट है पूरे दुनिया भर के रीजनल एग्रीमेंट्स

पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमें देखने को मिला तो आर ई सी पी आर सी ई पी तो आपको याद आ होगा इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले की बात है मेरे ख्याल से पिछली ही क्लास में मैंने इसके बारे में कवर कराया राइट तो नवंबर 2020 में इसको साइन किया गया था राइट तो इसके कारण से आ, ये जो एशिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के आने के बाद यहाँ पर बढ़ोतरी हम लोग को और ज्यादा देखने को मिल रही है राइट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है राइट तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है और मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसने फर्दर जो है वो एक्सेलरेट कर दी है ट्रेड को एशिया की राइट ये चीज यहां पर बताई गई है इसके अलावा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बोआओ फोरम के बारे में बोआओ फोरम क्या है तो बोआओ फोरम एशिया का जो है इसको 2001 में शुरू किया गया था 25 एशियन कंट्रीज के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फिर 2006 में टोटल 28 कंट्रीज में शामिल हो गई ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये हाई एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है पॉलिटिकल बिज़नेस और एकेडमिक लीडर्स को एशिया के और पूरे दुनिया भर के ये ये बिल्कुल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर बेस्ड ही है यानी कि उसी मॉडल के ऊपर ये आधारित है ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में हम लोग को देखने को मिलता है और ये फोरम जो है ये प्रमोट करता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कि आसपास की कंट्रीज जो है वो आपस में मिलकर कोलैबोरेट uh, करें नई नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ट्रेड करें अपने व्यापार को बढ़ाएं राइट right? और एशियन कंट्रीज को एक साथ लेकर आता है जिससे कि वो अपने डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सकें इसने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए कॉमन डेवलपमेंट के लिए राइट right? और प्रॉस्पेरस और हारमोनस एशिया को बनाने के लिए कि और भी बेहतरीन समृद्ध जो है वो एशिया बने राइट right? तो, तो इसके लिए भी इसने मेन कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया है इस फोरम में ठीक है बोआव फोरम ठीक है तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में अब ट्रैवल बबल की बात करते हैं ट्रैवल बबल कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं जब दो कंट्री आपस में डिसाइड करती हैं कि वो एक साथ अपनी ट्रैवलिंग वगैरह को ओपन करनी है मतलब कि कि अभी कोरोना वायरस के समय आपको पता है ट्रैवलिंग वगैरह रिस्ट्रिक्ट हो गई है राइट यानी कि एक व्यक्ति को अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता है तो पहले तो उसको अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे फिर सामने वाली कंट्री में जाके टेस्ट वगैरह कराना होगा तब और बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं बट क्या हो रहा है कि आजकल कंट्रीज आपस में और वैसे ये ट्रैवल बबल का जो ये था कॉन्सेप्ट जो था ये यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया था तो ये कंट्री क्या करेंगी ये ट्रैवल बबल के तौर पर दो कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं ये देखते हुए कि दोनों कंट्रीज के अंदर केसेस कोरोना वायरस के किस प्रकार के हैं राइट देखते हैं क्योंकि सेफ भी तो रहना पड़ेगा ना जैसे कि एक कंट्री के अंदर मान लेते हैं कि हजार लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं एक कंट्री के अंदर और बी कंट्री के अंदर भी हजार एक हजार पचास लोग ग्रसित हैं या साढ़े नौ सौ लोग ग्रसित हैं तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर आसपास के ही मामला की दोनों कंट्रीज़ के अंदर स्थिति जो है वो सिमिलर है तो वो कंट्री एक ट्रैवल बबल बना लेती है बोलते हैं कि चलो ठीक है हम लोग जो है वो मतलब ट्रैवलिंग अपनी ओपन कर देते हैं एक दूसरे के साथ जिससे कि क्योंकि ऑब्वियस है टूरिज्म भी चलता रहा है ट्रेड भी चलता रहा है दोनों कंट्री के बीच में किसी प्रकार की रुकावट ना तो इस प्रकार से ये म्यूचुअली एग्री करके दो कंट्री ट्रैवल बबल क्रिएट करती हैं तो अभी श्रीलंका ने बोला था कि वो ट्रैवल बबल इंडिया के साथ क्रिएट करेगी बट इंडिया की हालत खराब हो गई इंडिया के अंदर कोरोना वायरस की स्थिति एकदम से बढ़ गई उसको देखकर श्रीलंका डरा श्रीलंका ने बोला कि अभी मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ तो श्रीलंका ने डिसाइड किया कि वो पोस्टपोन कर रहा है इस चीज़ को यानी कि ट्रैवल बबल को इंडिया के साथ लॉन्च करने के लिए पोस्टपोन कर रहा है क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस एकदम तेजी से बढ़ गए तो ट्रैवल बबल है क्या तो वही चीज़ जो मैंने भी आपको समझाई वो ट्रैवल बबल है आप चाहें तो उसमें एक बार रीड कर सकते हैं चलो मैं बताई देता हूँ तो देखो ट्रैवल बबल जब क्रिएट होता है तब दो कंट्रीज़ आपस में रिकनेक्ट करती हैं दो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है वैसे तो ये राइट तो जिन भी कंट्रीज़ ने अपने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिकली अगर अच्छा सक्सेस शो किया है तो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अरे हाँ मतलब सामने वाली कंट्री ने भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए तौर तो तरीके मेजर्स लिए हैं और सामने वाली कंट्री में भी केसेज उतने ज़्यादा नहीं है मेरी कंट्री में भी जितने केसेज है मतलब बिल्कुल सिमिलर केसेज उस कंट्री में भी हैं तो इसलिए वो दोनों हाथ मिला लेते हैं बोलते हैं कि चलो ठीक है हमारे लोग और सामान जो है वो आपके साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं तो ऐसा बबल ये अलाउ करता है मेंबर्स को एक ग्रुप के कि वो दूसरे ग्रुप के साथ जाकर ट्रेड कर सकते हैं राइट और भी दूसरे सेक्टर्स को जैसे कि ट्रेवल एंड टूरिज्म को ओपन कर सकते हैं इसका सिग्निफिकेंस और इसका पोटेंशियल हम लोग को क्या देखने को मिलता है महत्व और संभावना इसकी हम लोग को क्या देखने को मिलती है तो विश्व भर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों के मध्य संभावित ट्रैवल बबल का आकार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 35 प्रतिशत के बराबर होगा तो 35 परसेंट के आसपास पूरे दुनिया भर की जीडीपी का ट्रैवल बबल हम लोग को देखने को मिलता है मतलब कि दो कंट्रीज के बीच में मतलब इस प्रकार की डील होती है कि पूरे दुनिया भर की जीडीपी का 35 परसेंट अकाउंट करता है तो इस तरह की व्यवस्था छोटे देशों द्वारा विशेष रूप से पसंद की जा रही है जिसके तहत ये देश बड़े भागीदारों के साथ फिर से व्यापार करने में सक्षम होंगे परिणाम स्वरूप रिजल्ट के तौर पर इन्हें अधिक लाभ हासिल करने की संभावना होती है उनको ऐसा लगता है कि ट्रैबल बबल अगर ओपन कर दिया जाए तो उससे फायदा ही होगा क्योंकि अल्टीमेटली सभी कंट्री यही चाहती है ना कि दूसरी कंट्री के साथ उसका ट्रेड बरकरार रहे राइट अब गईज एक थोड़ा सा पुराना मुद्दा है जो अगेन फिर से उठकर आ गया है और इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को करेंसी मैनुपलेटर की लिस्ट में रखा हुआ है मतलब कि ऐसी कंट्री की लिस्ट में शामिल किया गया है इंडिया को जो कंट्री करेंसी मैनुपोलेशन में इन्वॉल्व है राइट तो ऐसी हरकत यूएसए की तरफ से हम लोग को देखने को मिली है तो इसी पर ही सवाल उठाए हैं इंडियन कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान जी ने इन्होंने सवाल उठाए हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के डिसीजन के ऊपर कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को करेंसी मैनुपोलेटर की लिस्ट में रखा है इवन इस प्रकार की जो लिस्ट होती है उससे नुकसान ये होता है देश को ओवर वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स जो होती हैं वो ऐसी लिस्ट को देखकर फिर अपने पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं अलग अलग कंट्रीज को लेकर राइट तो उससे हमारी कंट्री की छवि पर इफेक्ट पड़ा है राइट यूएसए के इस प्रकार के डिसीजन पर क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने रिसेंटली इंडिया को करेंसी मैनुपलेटर कहा था करेंसी मैनुपलेन की लिस्ट में शामिल किया था और इसने अपनी रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस को भी सबमिट करी थी इवन ये भी मैंशन है कि आ, र जो है ये भारी मात्रा में डॉलर को परचेस करती है राइट भारी मात्रा में डॉलर को परचेस करती है बताया जाता है कि इंडिया अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फाइव परसेंट इस फॉरेन करेंसी को डॉलर को परचेस करता है तो ऐसा इसके अंदर मेंशन था और इसमें यह भी चीज है कि हमारे यहां हमारा जो ट्रेड सरप्लस है इस करेंसी मैनुपुलेशन के कारण वो ट्वेंटी बिलियन यूएस डॉलर या उससे ज्यादा है मतलब कि हमें फायदा हो रहा है इस मतलब यानी कि इलीगल तरीके से हम लोगों ने करेंसी मैनिपुलेट करी और उससे हमें ट्वेंटी बिलियन यूएस डॉलर और उससे ज्यादा का फायदा हम लोगों ने उठाया तो ऐसे आरोप भी यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाए इंडिया के ऊपर राइट right? <coughs> थोड़ी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ तो सेंट्रल बैंक जो होती है जैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या करती है ये फॉरेन करेंसी को सेल करती है और बाय भी करती है परचेस करती है है ना ऐसा कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई जो है वो बाय और सेल करती रहती है फॉरेन करेंसी को तो ये चीज़ बताई गई कि जो भी कंट्री अगर इलीगल तरीके से फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी को परचेज़ कर रही है या कोई अनफेयर कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस को इंटरनेशनल ट्रेड में उठाने के लिए आ, करेंसी को परचेज कर रही है तो उस चीज़ को करेंसी मैनुपुलेशन कहा जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यही डिफाइन किया है करेंसी मैनुपुलेशन को कि कोई भी कंट्री डेलिबरेटली इन्फ्लुएंस करती है अपने एक्सचेंज रेट को अपनी करेंसी के बीच में और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के बीच में कुछ अनफेयर कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस को उठाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में तो उस चीज़ को करेंसी मैनुपुलेशन कहा जाता है और जो भी कंट्री इस प्रकार के मैनुपुलेशन में इन्वॉल्व होती है वो करेंसी मैनुपुलेटर कहलाती है और उसको यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी डिपार्टमेंट करेंसी मैनिपुलेशन की वॉच लिस्ट में रखती है तो इंडिया को उसने रखा हुआ है तो इसी को लेकर सवाल उठे हुए हैं दैट्स ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था ठीक है और पेपर टू से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे अब हम लोग पेपर थ्री के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं सो डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज के बारे में तो इसे अभी रिसेंटली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के कोलेबरेशन के साथ लॉन्च किया है चैलेंज का मेन एम क्या है कि सिटीज को 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 ग्रुप्स स्टार्टअप्स एक साथ लेकर आना कि जिसके थ्रू सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सके जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने में मदद कर सकें और सिटीजन्स को बेटर सर्व करने में मदद कर सकें तो उसका मेन पर्पस यह है मतलब आसान भाषा में कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को सिटीजन सेंट्रिक बनाना कि सिटीजन को फायदा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सेक्टर से भरपूर मिल सके तो उसके बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आना और उस पर काम करना राइट right? तो इसका मेन फोकस है सभी जितनी भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो सिटीज हैं और स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं सभी सिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें पॉपुलेशन पांच लाख से ऊपर की है तो वो इस ट्रांसपोर्ट फॉर चैलेंज या टी फॉर चैलेंज के लिए एलिजिबल है वो सब सिटीज राइट right? अब बात करेंगे ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंजेस के बारे में इसे भी लॉन्च किया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा चैलेंज के अंदर फोकस किया जा रहा है कि सिटीज आपस में कंपीट करें कंपटीशन ऑफ सिटीज के बीच में कि वो अपने-अपने प्रयासों को रिकॉग्नाइज करें जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं किस पर्पस के लिए अलग-अलग इनिशिएटिव बहुत सारे हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि ईट राइट right इंडिया से के अंडर आते हैं कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों को बताया जाए कि जो भी लोग खा रहे हैं जिस भी चीज़ का सेवन कर रहे हैं वो सही चीज़ों का सेवन करें जैसे कि ट्रांसफैट वगैरह को ना कंज्यूम करें फास्ट फूड वगैरह ना कंज्यूम करें है ना तो ये जो यूनिक चैलेंज है ये स्मार्ट सिटी मिशन की पार्टनरशिप के साथ है इसमें एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है राइट फूड प्रैक्टिसेस का और हैबिट्स का कि सही फूड की प्रैक्टिसेस यानी कि जो भी लोग खाना खा रहे हैं वो सही खाना खाएं तो और अच्छी जगह से खाना खाएं राइट उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस का और इस एनवायरमेंट को प्रमोट करने से रिलेटेड ये चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है इसमें फूड सेफ्टी को स्ट्रेंथन किया जाएगा बढ़ावा दिया जाएगा एनवायरमेंट को रेगुलेट किया जाएगा अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी कंज्यूमर्स के अमंग कि लोग बाग जो है वो जब भी, भी कहीं पर कुछ खा रहे हैं तो वो एक अच्छी चॉइस जो है वो अपनाएं क्योंकि जब लोग बाग चूज़ करेंगे अच्छी जगह से खाना खाना तो ऑब्वियस की बात है कि इस प्रकार से जो अनहाइजीनिक जगहों पर जो लोग बेचते हैं खाने पीने के आइटम तो वो भी अपने अपनी जगह को साफ सुथरा रखेंगे क्योंकि फिर कंज्यूमर उनसे डिमांड नहीं करेगा ना क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड के आधार पर ही हम लोग को देखने को मिलता है कि सेलर जो है वो चीज़ों को बेचते हैं तो कंज्यूमर ही अगर एक राइट डिसीजन लेना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियस बात है कि सेलर्स भी अपनी जगह को साफ सुथरा रखेंगे अच्छा अच्छी क्वालिटी का फूड जो है वो डिलीवर करेंगे कंज्यूमर्स को राइट तो ये वाली बात है तो ये चीज़ है इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए और चैलेंज सभी स्टेट्स के लिए स्मार्ट सिटीज के लिए ओपन है कैपिटल सिटीज स्टेट्स की है उनके लिए ओपन है और सिटीज इनकी पॉपुलेशन पांच लाख से ज्यादा की है उनके लिए ओपन है अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइटेस्ट एवर पेंट जो कि 99% परसेंट सनलाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है इतना वाइट पेंट है कि 99% परसेंट सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स के इंजीनियर्स ने क्रिएट किया है जिन्हें ये वाइटेस्ट पेंट अभी तक का डिक्लेयर कर रहा है राइट right, बोल रही है, अभी तक का सबसे वाइटेस्ट पेंट वाइट कैसे क्रिएट हुआ ये तो अल्ट्रा वाइट पेंट जो है ये बेरियम सल्फेट से बना है राइट जो जो कि बहुत ज्यादा वाइट कर देता है अधिक सफेदी बनाता है जो कि बेरियम सल्फेट नाम याद रखना और इसके फीचर्स क्या है तो पेंट जो है वो सरफेस को 19 डिग्री फैरन ठंडा रख सकता है राइट रात के समय पे यानी कि उसके सराउंडिंग से यानी कि जो भी एनवायरमेंट आसपास का होगा उससे 19 डिग्री फेर कम कर देगा ये टेम्परेचर उस जगह का कितनी बेहतरीन बात है ये और ये 8 डिग्री फेर कम कर सकता है अपने सराउंडिंग से जब भी स्ट्रॉन्ग भी सनलाइट होती है जैसे कि दिन में बारह बजे का समय हो तो उस दिन में बारह बजे के समय पे, जिस पर जिस जगह पर यह पेंट लगा होगा उसके आसपास की जगह और इस जगह से अगर कंपेयर करें तो जिस जगह पे ये पेंट लगा होगा उस जगह का टेम्परेचर आठ डिग्री फेरन कम होगा तो कितनी बढ़िया बात है क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए ये जो पेंट है ये बताया जा रहा है कि ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट के क्लोजेस्ट uh, इक्वलेंट के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है जैसे वेंटा ब्लैक हम लोग कहते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है 99.9 परसेंट विजिबल लाइट को तो उसी के इक्वेलेंट इसे बताया जा रहा है राइट right? तो यही चीज है जिसके बारे में ये फैक्ट है जिसके बारे में एक जनरल सा आप लोग को आइडिया होना चाहिए अब गई बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन आई है ऑन टैप लाइसेंसेस की या यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की एप्लीकेशन के पास रिसीव हुई है तो आरबीआई के पास चार एप्लीकेशन रिसीव हुई है ऑन टैप यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक लाइसेंसेस की और स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंसेस की हालांकि ये ये एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बताएगा ये टॉपिक की कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल होती हैं किन किन को यूनिवर्सल बैंकिंग फैसिलिटी का लाइसेंस मिल जाता है तो वो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार सुन लो बस एक बार जनरल बस सुन लो बस एक प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बाकी सिविल सर्विसेज के लिए चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो सर में आता है कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट बट उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे सुन लो एक बार आप तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस का पार्ट है जो कि लाइसेंस को लेकर आर ने रिलीज करी थी अगस्त दो में और डिसंबर दो में राइट तो कौन अप्लाई कर सकता है तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक ने जो रिलीज करी थी अगस्त 2016 में उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल कंपनी वगैरह जो होती है जिन्हें यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस चाहिए होता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के लिए इसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी हो गई उसके पास अगर एटलीस्ट दस साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सीनियर लेवल में या कोई प्राइवेट कंपनी हो गई या कोई ग्रुप हो गया जिसके पास एटलीस्ट दस साल का सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए और कोई ग्रुप हो गया या कोई कंपनी हो गई जो इस प्रकार के लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो उनके पास संपत्ति पांच हजार करोड़ या उससे ऊपर की होनी चाहिए और इस संपत्ति का चालीस परसेंट या उससे ज्यादा का जो आ, एसेट है संपत्ति है यानी कि इस पूरे पाँच हजार करोड़ में चालीस परसेंट या उससे ज्यादा की वैल्यू की जो संपत्ति है वो नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस से नहीं होनी चाहिए और जो भी एलिजिबल जो होते हैं वो स्मॉल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है तो उनके लिए चाहिए कि एक इंडिविजुअल जिसके पास एटलीस्ट दस साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सीनियर लेवल पर या फिर कोई ग्रुप हो गई कोई कंपनी हो गई या कोई एग्जिस्टिंग पेमेंट बैंक हो गया या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई या माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गई या लोकल एरिया बैंक हो गया या कॉपरेटिव बैंक हो गया अगर उन्हें अप्लाई करना है इस प्रकार के लाइसेंस के लिए तो उन्हें एटलीस्ट पांच साल के का उनके पास सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है और अप्रैल 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल बंधन बैंक लिमिटेड को दिया था और आईडीएफसी बैंक को दिया था कि वो यूनिवर्सल बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और आईडीएफ बैंक ने फिर बाद में मर्ज करके कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई और इसने आईडीएफ फर्स्ट बैंक क्रिएट कर दिया था राइट तो यही चीज है इसके बारे में एक बस आपको पता होना चाहिए बस कि ये लाइसेंस को ऑप्टेन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है राइट सिंपल चीज अब देखिए ये रिपीटेड टॉपिक अभी थोड़ी देर पहले पेपर में इसी टॉपिक को अभी के अभी हम लोगों ने कवर किया था राइट right? तो यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी ने रिलीज किया किया है एक रिपोर्ट माइक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की अप्रैल ट्वेंटी का जो इसका एडिशन है सेमी एनुअल रिपोर्ट इसकी हमें देखने को मिल रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पहला हम लोग को इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिल रहा है यह रिपोर्ट सबमिट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस को और इसने करेंसी प्रैक्टिसेस को रिव्यू किया है यूनाइटेड स्टेट्स की बीस सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर्स के राइट और इसमें तीन क्राइटेरिया उपयोग में लिया गया है रिव्यू करने के लिए पार्टनर्स को एक तो अटलीस्ट ट्वेंटी बिलियन यूएस डॉलर का बायोलेट्रल ट्रेड सरप्लस अगर सिग्निफिकेंट है तो उसको रखा गया है मटेरियल करेंट अकाउंट सरप्लस को रखा गया है और परसिस्टेंट वन साइड इंटरवेंशन इन फॉरेस्ट मार्केट को रखा गया है मतलब कि कि कुल मिलाकर चेक करने के लिए कि कौन सी कंट्री करेंसी मैनुपलेन में इन्वॉल्व है कि नहीं है किस कंट्री को करेंसी मैनुपुलेशन के कारण यूनाइटेड स्टेट से कितना फायदा मिल रहा है तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ये वाली बात यहां पर बताई गई और करेंसी मैनुपुलेशन क्या है तो उसके बारे में आपको भी समझाई हालांकि इस रिपोर्ट के हाईलाइट को देख लेते हैं तो इंडिया वन ऑफ एलेवन कंट्रीज़ है जो कि मॉनिटरिंग लिस्ट में आ गई है यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी प्रैक्टिसेस के मामले में यानी कि करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में शामिल किया गया इंडिया को इस लिस्ट में रखा गया था दिसंबर 2020 की रिपोर्ट में भी ये चीज़ आई थी दूसरी और दस जो कंट्री है जिनको इसमें रखा गया है इंडिया के अलावा तो वो है चाइना जापान कोरिया जर्मनी आयरलैंड इटली मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड मैक्सिको इन कंट्री को भी शामिल किया गया इस लिस्ट के अंदर और इंडिया ने तीन क्राइटेरिया में से दो क्राइटेरिया मीट कर लिया एक तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस वो बीस बिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस जिसके बारे में मैंने भी आपको पहले भी पढ़ाया था जब पेपर टू के लास्ट टॉपिक में हम लोग इस चीज को सेम चीज को डिस्कस कर रहे थे और दूसरा वन साइडेड इंटरवेंशन क्राइटेरियन परसिस्टेंट वो भी मतलब कि लगातार इंडिया को को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड करने से इंडिया को लगातार सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है काफी लंबे समय से

के अंतिम दौर का एक विन्यास है यानी कि टिकी फॉर्मेशन एक फॉर्मेशन है लेट लेट्रिया जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का मध्य प्रदेश के अंदर और यह वर्टिब्रेट फॉसिल्स का एक ट्रेजर ट्रोव है कशेरुख जीवाश्मों का एक खजाना है यानी कि एक एरिया तो याद रखना अगर टिकी की बात होती है टिकी फॉर्मेशन की बात होती है मध्य प्रदेश आप थोड़ा ध्यान में रखना यह बेसिकली एक प्रजाति है मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये देखो ये प्रजाति है चूहे जैसी टाइप की थोड़ी सी दिखती है यह 200 मिलियन साल पहले इंडिया में ये प्रजाति हुआ करती थी मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में टिकी फॉर्मेशन कशेरुकी जीवाश्मों का एक खजाना है जिसमें लगभग दो सौ मिलियन साल पहले जीवित रहने वाली एक नई प्रजाति और सिनाडो प्रजाति के दो जीनस या जेनेरा सिनाडो प्रजाति के राइट छोटे चूहे जैसे दिखने वाले ये जानवर हैं तो उसके फॉसिल्स पाए गए हैं उसके जीवाश्म पाए गए हैं राइट और डायनासोर के रिमेन्स की भी बात करें जीवाश्मों में इस खजाने में डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं डायनासोर के रिमेन्स भी पाए गए हैं हालांकि इनमें से अभी तक किसी भी विशिष्ट प्रजाति का निर्धारण नहीं किया गया है तो अभी भी यानी कि स्पेसिफिक जीनस को रेफर अभी तक इन फॉसिल्स में से नहीं किया गया तो यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत पुराने समय का 220 मिलियन साल पहले के फॉसिल्स मिले हैं राइट एक खजाना इसका मिला है मध्य प्रदेश के अंदर दैट्स वाई टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था टीकी फॉर्मेशन का ठीक है तो चीज़ है तो चीज जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी एक जानकारी होनी चाहिए अब बात करेंगे चोलिस्तान डेजर्ट के बारे में चोलिस्तान डेजर्ट तो इसकी लोकेशन का है? चोलिस्तान डेजर्ट कहां कहा क्वेश्चन आ जाए तो पाकिस्तान ध्यान में रखना यह प्लेस न्यूज में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शूटिंग यहां पर हो गई है शूटिंग यानी कि मार दिया दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उनका शिकार किया गया तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की ये चीज याद रखना ये फैक्ट याद रखना और इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड इसे कंसिडर किया जाता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर सौ से भी कम है मतलब यानी कि सौ चिड़िया से भी कम ये हमें देखने को मिलती है और इनका शिकार अभी रिसेंटली हुआ है दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला था और सौ और राजस्थान में इनकी जो पॉपुलेशन है ये पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन का 95 परसेंट है तो आप इमेजिन कर सकते हो पूरी दुनिया भर में कितनी कम चिड़ियाँ हैं ये यानी कि मेनली तौर पर तो ये राजस्थान में ही हम लोग को देखने को मिलती है और आई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इसकी रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड की कैटेगरी में ही है ये नाइनटीन में ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड को कैटेगराइज किया गया था फिर 2011 में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रख दिया गया क्योंकि लगातार इसके मतलब खतरा था इसके ऊपर लगातार यानी कि इसके सर्वाइवल के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा था राइट right? तो वाली चीज है इसके अलावा राजस्थान में जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं उनके द्वारा एक लंबी बहस के बाद वर्ष 2019 में देहरादून स्थित हम लोग को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देखने को मिलता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में जो है तो उनके द्वारा निष्पादित परियोजना के माध्यम से राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में वनजीवी संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कैप्टिव प्रजनन की अनुमति प्रदान की गई थी मतलब कि राजस्थान के अंदर परमिशन दी गई थी कि इनकी ब्रीडिंग होगी कैप्टिव ब्रीडिंग होगी इनकी इन चिड़ियाओं की राइट वो भी बहुत लंबे बहस के बाद इस चीज को अलाउ किया गया तो राजस्थान के अंदर इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग भी होती है राइट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तो उसकी भी आप लोग को एक जनरल सी जानकारी होनी चाहिए अब बात करेंगे डिस्क फुटेड बैट की डिस्क फुटेड बैड तो मेघालय के अंदर इंडिया की पहली बैंबू ड्वेलिंग बैट जिसकी स्टिकी को को देखने को मिल रही है, चिप होता है इसका डिस्क डिस्क राइट कि पंजो के आंतरिक भाग वो हम लोग को इसके चिपचिपे देखने को मिल रहा है तो वो वाली प्रजाति इसकी पाई गई है डिस्क फुटेड बैट राइट और इसका ये साइंटिफिक नेम है यूडी कॉपस डेंटिक्यूलस राइट तो इसे मेघालय के लाइलेड एरिया जो कि मेघालय के अंदर हम लोग को नॉन्ग खेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो देखने को मिलती है तो उसके पास में स्थित है और वहाँ से लगभग हज़ार किलोमीटर के वेस्ट के एरिया में इसका हैबिटेट हम लोग को म्यांमार के अंदर भी देखने को मिलता है तो म्यांमार में और मेघालय में ये वाला हम लोग को बैट ये चिमगादड़ जो है वो देखने को मिला डिस्क फुटेड बैट और डिस्क फुटेड बैट जो है वो मेघालय के अंदर इसके जो नंबर्स हैं संख्या जो है वो भी बढ़कर सिक्सटी सिक्स हो गई है और सबसे ज़्यादा ही ये इंडिया के अंदर किसी स्टेट के अंदर मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर डिस्कुटेड बैट कहीं पर पाए जाते हैं तो वो मेघालय थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इसमें स्पीसीज इस जो है उस इस उसके नंबर्स भी इसके कारण से बढ़ गए हैं तो इससे भारत में पाए जाने वाली चमगादड़ प्रजातियों में एक और प्रजाति बढ़ गई है ठीक है तो यही चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए अब कहीं बताया जा रहा है कि कैरेबियन वेल्कोनोज से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड इंडिया पहुंच गया है तो देखो आप पल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर लिख रहे होते हैं तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि पल्यूशन जो है वो आप देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है उसका एक्सटेंट आप समझ सोच सकते हैं समझ सकते हैं मैंशन कर सकते हैं अपने आंसर में तो करेबियन सी की लोकेशन आपको पता है कैरेबियन एरिया आपको पता है राइट जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला एरिया आप देखेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको के नीचे वाला जहाँ पर करेबियन सी हम लोग को देखने को मिलती है तो वहां पर मौजूद आइलैंड्स हैं वहाँ पर है। वॉल्के हम लोग को देखने को मिलते हैं कुछ तो अभी क्या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वहां पर और वहाँ से जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकला राइट ज्वालामुखी के अंदर से वेरियस गैसेज निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ दम तो वहाँ पर करेबियन पर निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड आज की डेट में इंडिया में मिल रहा है यानी कि इंडिया में आ चुका है और इवन ये भी बताया जा रहा है कि और भी दूसरी जगहों पर इंडिया के अलावा और भी दूसरी कंट्रीज़ पर भी ये रिकॉर्ड किया गया और इवन साउथ ईस्ट एशिया से आगे तक निकल जाएगा ये कह ये भी कह रहे हैं साइंटिस्ट रिसर्चर्स तो आप सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन कितनी मतलब गंभीर तरीके से फैल सकता है कि पॉल्यूशन एक जगह पर हुआ वॉल्के इप्प्शन के कारण और उसका इम्पैक्ट इंडिया में रिकॉर्ड किया जा रहा है राइट और इसके और ऑलरेडी इंडिया में प्रॉब्लम है ही राइट हमारे नदर्न एरियाज पे पॉल्यूशन की ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही और इसके कारण से और पॉल्यूशन का बर्डन जो है वो बढ़ गया है और इवन एसिड रेन का बर्डन बढ़ गया है इंडिया के ऊपर और साइंटिस्ट ने ये भी पाया कुछ एविडेंस साइंटिस्ट को ये भी मिले सल्फेट एरोसोल पार्टिकल्स के और ये कहाँ पर मिले स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि धरती के एटमोस्फेयर की सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर तो वहाँ पर भी ये सल्फेट एरोसोल पार्टिकल्स पाए गए सल्फरिक एसिड के का जो प्रीकर्सर हम लोग को देखने को मिलता है तो वो पाया गया राइट right? स्ट्रेटोस्फीयर पे और उसका रीजन भी यही सेम चीज़ बताई जा रही है कि इरप्शन जब हुआ तो उसके कारण से बहुत ऊपर तक गैसेस गई और जिसके चलते ये स्ट्रेटोस्फेयर में ये गैसेस चली गई और बताया जा रहा है कि ये गैसेस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के आगे भी ट्रैवल कर सकती हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के कारण ही ये गैसेस जो है वो इतनी तेजी से ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो फैल रही हैं राइट right? जो करेबियन में जो वॉल्केनिकप्शन हुआ उसका वो इंडिया तक ये स्ट्राइटोस्फियर के कारण पहुंची स्ट्राइटोस्फेयर पे वो गैसेस जो है वो चली गई थी राइट और ऐसा साइंटिस्ट रिस्टेटर का कहना है इसके अलावा इसके इंपैक्ट और इम्प्लीकेशन क्या होंगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट इंपैक्ट इसका हम लोग को बॉल्के के इंजेक्शन के थ्रू देखने को मिल रहा है कि स्ट्राइटोस्फियर में ये सल्फर जो है वो चला गया है सल्फर इंजेक्ट हो गया है राइट और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है और रैपिड uh, कंडेंसेशन जो हम लोग को स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिला है उसके कारण से फाइन सल्फेट एरोसॉल्स भी नजर आ रहे हैं हम लोग को और एरोसॉल जो है वो रेडिएशन को इंक्रीज कर रहे हैं जिसके कारण से सूर्य की जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में जा रही है जिसके कारण धरती का धरती के लोअर एटमोस्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर uh, जो है वो डाउन हो गया है कूल cool हो रहा है राइट तो यही चीज़ इसकी बताई जा रही है थोड़ी सी बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के सोर्सेज की भी तो लार्जेस्ट सोर्स सल्फर डाइऑक्साइड का जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ये है कि जब फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है तब सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं पावर प्लांट्स में और भी दूसरी इंडस्ट्रीज वगैरह में राइट तब उस समय सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और स्मॉलर सोर्सेज सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है जैसे कि जब ओर से ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है निकाला जाता है राइट नेचुरल जैसे कि होते हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और लोकोमोटिव्स लोकोमोटिव इंजन वगैरह हो गए और भी दूसरी गाड़ियां वगैरह जो हो गई या फिर हैवी इक्विपमेंट्स हो गए जो कि वगैरह को बर्न करते हैं हायर सल्फर कंटेंट के राइट तब उस समय ये चीज निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड अब गई डिस्कस करेंगे नेशनल क्लाइमेट वेबिलिटी असेसमेंट की एक रिपोर्ट के बारे में तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि ये नेशनल क्लाइमेट वलरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है क्या तो देखो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है राइट right? बट कुछ कुछ ऐसी हमारी कंट्री के अंदर एरियाज हैं स्टेट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत तबाही हो जाती है समय समय पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ओडिशा की बात करें वेस्ट बंगाल की बात करें जब भी भी साइक्लोन आता है वहाँ पर हालत खराब हो जाती है राइट right? तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं तो हम लोगों ने क्या किया है हम लोगों ने कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण तबाही मच जाती है तो ऐसे एरिया को अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग तो क्लाइमेट चेंज के लिए ऐसे एरियाज में और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करवा सकेंगे है कि नहीं तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है तो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर कितने वलनरेबल हैं कितने कमजोर हैं राइट तो ये रिपोर्ट रिलीज हुई है क्लाइमेट वलनेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क

राइट right? और इन स्टेट्स के अंदर मोस्टली ईस्टर्न पार्ट हमारी कंट्री का हम लोग को देखने को मिल रहा है जिन्हें प्रायोरिटी पे रखना है एडॉपशन uh, इंटरवेंशन के मामले में कि यहाँ पर सबसे पहले uh, व्यवस्था जो है वो की जाए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की राइट right? और इस प्रकार की वलरेबिलिटी असेसमेंट की क्या आवश्यकता है तो हमारी कंट्री के एरियाज को अगर हम लोग मैप कर दें आइडेंटिफाई कर दें वलरेबल टू एक्सट्रीम चैलेंजेस के मामले में यानी कि एक्सट्रीम चैलेंजेस के मामले में कौन सी कौन सी एरियाज जो है कौन से कौन सा पार्ट जो है हमारी कंट्री का कमजोर है वलनरेबल है तो इससे सहायता मिल सकेगी कि ग्राउंड लेवल पर क्लाइमेट एक्शन्स लेने में राइट और असेसमेंट मदद करेगा पॉलिसी मेकर्स की कि अप्रोप्रिएट क्लाइमेट एक्शन को लेकर पॉलिसी मेकर जो है वो पॉलिसी बना सके इसमें बेनिफिट भी मिलेगा क्लाइमेट वलरेबल कम्युनिटीज़ को हमारी कंट्री की राइट जिससे कि वहां पर उनके एरियाज पर वेरियस प्रोजेक्ट्स लाए जा सके राइट बेटर तरीके से उनके एरिया के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स uh, को डेवलप uh, किया जा सके पॉलिसी मेकर्स के द्वारा उनकी वलनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि किन किन एरियाज़ पर मतलब और या फिर uh, किस फैक्टर के आधार पर वो एरिया जो है वो वलनेरेबल है कमज़ोर है तो उस फैक्टर को मजबूत करो राइट right? तो उसके अकॉर्डिंग पूरी पॉलिसीज तैयार करने में मदद मिल सके तो इसके लिए ये असेसमेंट हेल्पफुल होता है और असेसमेंट फर्दर उपयोग में लिया जा सकता है uh, कि इंडिया की जो रिपोर्टिंग हम लोग को नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर देखने को मिलती है पेरिस एग्रीमेंट के तहत तो उसमें भी इस रिपोर्ट को रखा जा सकता है इसकी फाइंडिंग को रखा जा सकता है राइट और फाइनली ये असेसमेंट जो है वो इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को भी सपोर्ट करता है तो ये वाली चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग को बस जानकारी होनी चाहिए आइडिया होना चाहिए अगर इस बात हो रही है वंदे भारत मिशन के बारे में तो इसके बारे में तो आपको पता होगा ही कि पिछले साल वंदे भारत मिशन के थ्रू लाखों की संख्या में दूसरी देश में फंसे हुए हमारे इंडियंस को एयर इंडिया ने निकाला वापस लेकर आया राइट जो भी लोग फंसे हुए थे कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पे लॉकडाउन पे दूसरे देशों में तो एयर इंडिया ने उन्हें इवेक्यूट किया यहाँ पर लेकर आए राइट पिछले साल मे सेवन्थ को और ये लार्जेस्ट इवेक्यूएशन सिविलियंस का बन बन गया वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूशन ऑफ सिविलियंस हमारी कंट्री के लिए और तब से लेकर अभी तक एयर इंडिया ग्रुप ने ग्यारह हज़ार फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जिसमें अट्ठारह पैसेंजर्स थे और ग्यारह हजार पांच सौ अट्ठाइस आउटबाउंड फ्लाइट को ऑपरेट किया जिसमें तेरह लाख अड़सठ हजार चार सौ सन्तावन पैसेंजर शामिल थे और ये मिशन हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिला राइट और इसकी जो बजट कैरियर है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस हम लोग को देखने को मिल रही है जिसने इस मिशन को सपोर्ट किया है तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक वंदे भारत मिशन का रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा पता होना चाहिए अब कई बताया जा रहा है कि इंडिया और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है ये जो एग्रीमेंट है ये है जिसका टाइटल रखा गया है टेक्निकल कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड ये एग्रीमेंट है टाइटल है सिटीज कॉम्बैक्टिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरमेंट तो मरीन एनवायरमेंट है जैसे कि समुद्र हो गया तो वहां पर प्लास्टिक्स को जाने से रोकना कि प्लास्टिक समुद्र के अंदर ना जाए क्योंकि उस प्लास्टिक के कारण काफी सारे समुद्र के स्पीसीज को नुकसान पहुंचता है राइट तो वर्चुअल सेरेमनी के दौरान ये एक एग्रीमेंट टेक्निकल कॉपरेशन का साइन हुआ इंडिया और जर्मनी के बीच में ये जो प्रोजेक्ट है ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट के अंडर ये प्रोजेक्ट है जो कि प्रिवेंशन ऑफ मरीन लेटर्स की, की फील्ड का हम लोग को देखने को मिल रहा है समुद्री कचरे की रोकथाम की फील्ड का यह हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि इंडिया और जर्मनी के बीच में 2019 में साइन हुआ था राइट तो उसी के आधार पर यह एग्रीमेंट है ये प्रोजेक्ट का मेन एम यही है कि ऐसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना जिसके थ्रू मरीन एनवायरमेंट में प्लास्टिक एंटर ना करे उसको प्रिवेंट करना उसको रोकना राइट तो और इसे नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लाया गया इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को सिलेक्ट किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश केरला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और सिटीज हम लोग को कानपुर कोची पोर्ट ब्लेयर देखने को मिल रही है तो साढ़े तीन सालों के लिए इन सिटीज को सिलेक्ट किया गया कि यहाँ पर ये सिटीज जो है वो वेरियस इनिशिएटिव्स लेकर आएंगी जिसके थ्रू ये कार्य करेंगी कि कचरा जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है वो आ, समुद्र में एंटर ना हो राइट और ओशियन में ना जाए मरीन एनवायरमेंट ना एंटर हो प्रोजेक्ट के आउटकम के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है Uh, कि स्वच्छ भारत मिशन है uh, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है जो कि मेनली फोकस कर रहा है कि सस्टेनेबल तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है राइट यानी कि प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट करना है अब बात करेंगे मरीन लेटर्स के इफेक्ट्स के बारे में तो मरीन लेटर्स जो है वो पूरे के पूरे इको को थ्रेटन करता है इसका एडवर्स इफेक्ट हम लोग को फिशरीज और टूरिज्म इंडस्ट्री में देखने को मिलता है पूरे दुनिया भर में इसके बारे में आप जानते ही हैं और इसका इफेक्ट पब्लिक हेल्थ पर भी हो रहा है और इससे रिलेटेड चिंताएं बढ़ रही हैं स्पेशली माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड और जो रिस्क जो है माइक्रो प्लास्टिक का वो फूड चेन में दोबारा से एंटर करने का वो भी बढ़ता जा रहा है इसको आसान भाषा में समझो जैसे कि ह्यूमन ने समुद्र में प्लास्टिक की बॉटल फेंकी ठीक है अब प्लास्टिक बॉटल नहीं मान लेता संभाल एक शैम्पू शैम्पू जो होता है ना शैम्पू ऊपर से हम लोग काटते हैं तो वो छोटा सा जो हिस्सा बच जाता है ठीक है अब वो क्या हुआ वो वो भी तो है प्लास्टिक ही तो है राइट तो उस चीज़ को जो है वो ह्यूमन ने समुद्र में फेंक दिया समुद्र की एक मछली ने उस चीज को माइक्रोप्लास्टिक को खा लिया अब उसके बाद क्या हुआ वो मछली जिस मछली ने उस माइक्रोप्लास्टिक को खाया उस मछली को ह्यूमन ने पकड़ लिया और फिर उस मछली को काट के पका के खा लिया तो हुआ क्या एक्चुअली में एक्चुअली में वो माइक्रोप्लास्टिक समुद्र में जाकर समुद्र के थ्रू मछलियों में जाकर मछलियों से वापस ह्यूमन की बॉडी में आ गया तो इस प्रकार से फूड चेन में इस प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं उसके एंटर होने का रिस्क आज की रेट में काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है इसी कारण तो कैंसर और ये सब इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है लोग बोलते हैं कि आजकल तो जो भी लोग शराब नहीं पी रहे सिगरेट नहीं पी रहे उनको भी कैंसर हो रहा उसकी है उसकी वजह यही है पॉल्यूशन प्लास्टिक ये प्लास्टिक को फेक फेंक रहे हैं और उस प्लास्टिक की केमिकल्स ही कार्स्यूजेरिक होकर ह्यूमन की बॉडी में वापस आ रहे हैं इस प्रकार की फूड चेन में एंटर करके और एस्टिमेट ये किया गया कि पंद्रह से बीस इन प्लास्टिक्स का ओशियन में एंटर हो रहा है रिवर आइन के थ्रू uh, जो कि 90 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरे दुनिया भर की जो मोस्ट पॉल्यूटिंग रिवर्स हैं उनसे 90 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है ओशियन वेस्ट का या प्लास्टिक का राइट और दो ऐसी रिवर्स सिस्टम है यानी जो पॉल्यूटेड रिवर सिस्टम वो इंडिया में लोकेटेड है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र भी बताई जा रही है जहां पर पॉल्यूशन लेवल काफी हाई है तो ये वाली चीज है इसकी एक आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए अब गई इस टॉपिक की चर्चा करें तो हाल ही में बताया जा रहा है कि अमेरिकी रिसर्चर्स को पहली बार मानव कोशिकाओं ह्यूमन सेल्स को बंदर के भूण यानी कि बंदर के एम्ब्रियो में विकसित करने में सफलता हासिल हुई है तो बंदर के एम्ब्रियो में ह्यूमन के सेल को पहली बार ग्रो किया है रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली और ये मैकॉक मंकी हम लोग को देखने को मिल रहा है मैकॉक बंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है इसका भूण है इसका एम्ब्रियो है इसमें ह्यूमन सेल्फ को मानव मानव कोशिकाओं को, को एकत्रित करके रिसर्चर्स ने एक नाम नामुमकिन समझा जाने वाला एक टूल है जिसे हम लोग कामरिक टूल कहते हैं उसको तैयार कर दिया और आपको बता दें कि, कि ये काइमरिक्स जो है यानी कि काल्पनिक जीव जिन्हें किमिरा किमिरा कहा जाता है ये दो भिन्न प्रजातियों की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और संबंधित मामले में ये किमिरा मनुष्य या बंदर प्रजातियों से बने हैं ठीक है तो यही चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है कि किमिराज एक ऑर्गेनिज्म है जो कि दो अलग अलग स्पीसीज के सेल से मिलकर बनते हैं जैसे कि ह्यूमंस और मंकी के सेल से मिलाकर इन्हें बनाया जाता है तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है तो ये वाला टूल जो है वो इन्होंने विकसित कर दिया इस प्रकार का और पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर शोध का इस रिसर्च का इस कैमरिक शोध का उद्देश्य क्या है तो ये जो शोध करता है रिसर्चर जो है उनका मानना ये है कि दो अलग अलग प्रजातियों की जो कोशिकाएं हैं सेल्स जो हैं इन दो अलग अलग प्रजातियों के उनको एक साथ विकसित करने की यह क्षमता वैज्ञानिकों को अनुसंधान और चिकित्सा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है मिला मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल टूल प्रोवाइड कराती है जिससे प्रारंभिक मानव विकास यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में अर्ली स्टेज में ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ और बीमारियों का उद्धव की किस प्रकार से बीमारियां बढ़ती हैं राइट और विकास अनुक्रम तथा उम्र वृद्धि संबंधी मौजूदा जानकारी में वृद्धि होगी मतलब जैसे कि लोगों की एज कैसे बढ़ती है प्रोग्रेशन कैसे होता है एज का लोगों लोगों की एज में यानी कि कैसे वृद्धि होती है एज की एजिंग कैसे होती है राइट right? डिजीज़ जो होती है बीमारी वगैरह जो होती है वो कैसे बढ़ती हैं कैसे घटती हैं या कैसे और एडवांस हो जाती हैं तो ये सब चीज़ें समझने में मदद मिलेगी अगर इस प्रकार की स्टडी कंडक्ट करते हैं तो रिसर्चर इसके अलावा इस तरह की रिसर्च से दवाओं के आकलन में भी मदद मिल सकती है राइट right? ड्रग्स के एवेल्यूएशन में और अंग प्रत्यारोपण जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों का समाधान किया जा सकता है ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन जैसी क्रिटिकल नीड्स का समाधान किया जा सकता है इससे संबंधी नैतिक चिंताएं क्या है एथिकल कंसर्न क्या है इससे संबंधी तो आमतौर तो पर विभिन्न प्रजातियां परस्पर आ, संकर प्रजनन नहीं करती तो डिफरेंट स्पीसीज जो है वो क्रॉस ब्रीड खुद से नहीं करती राइट right? क्रॉस uh, ब्रीडिंग आप लोग को अलग अलग प्रजातियों की नहीं देखने को मिलती यदि वे ऐसा करती हैं तो इससे उत्पन्न संतान लंबे समय तक जीवित नहीं रहती है तो आपने इवन जैसे कि अगर आप कभी पेट्स वगैरह परचेज करते होंगे तो आपको लोग एडवाइस देते होंगे कि जो क्रॉस ब्रीड जो होती है उसे परचेज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स होते हैं और उसके मरने के चांसेस क्रॉस ब्रीड के ज़्यादा होते हैं है, है कि नहीं ये बात आपने कई बार सुना भी होगा तो इसलिए ये चीज़ कही जाती है कि क्रॉस ब्रीडिंग से उत्पन्न जो संतान होती है तो उनके लंबे समय तक जीवित रहने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं और इस प्रक्रिया में कोई संतान ना होने की संभावना अधिक होती है हालांकि कुछ दुर्लभ संकर जीव प्राकृतिक रूप से मौजूद पाए गए हैं और ये संभवता विभिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य अनजाने में हुई क्रॉस ब्रीडिंग का परिणाम होते हैं तो जैसे कई बार आपने स्पीसीज को देखा होगा कि कोई कोई स्पीसीज को देखकर ऐसा लगता है कि ये मिक्सचर है दो प्रजातियों का ऐसी तमाम स्पीसीज हैं तमाम तमाम एनिमल्स भी ऐसे हम लोग को आज की डेट में देखने को मिलते हैं जो कि दो स्पीशीज के वो, वो तौर पर उभर कर आ चुके होते हैं, तो हैं। यद्यपि किमीराओं के बारे में अधिक शोध प्रगति की और अग्रसर कर सकते हैं जिसका अर्थ होगा कि इनका उपयोग मनुष्य के लिए अंगों के स्त्रोत के रूप में किया जा सकता है जैसे कि अगर इसकी इसको और भी स्टडी अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करें यानी कि दो स्पीशीज का क्रॉस इस प्रकार से अगर लगातार कराते रहें उसमें ह्यूमंस को अगर इन्वॉल्व करें तो ह्यूमंस की जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गन्स वगैरह की तो वो इससे काफ़ी कम हो जाएगी फिर भी ये कि मेरा मानव और गैर मानव कोशिकाओं का मिश्रण होंगे यह विचार ही कई लोगों के लिए असुविधाजनक हो जाता है जैसे कि ही बात है एनिमल और ह्यूमन का अगर क्रॉस होता है तो और उससे उत्पन्न कोई संतान होती है तो वो क्वाइट पॉसिबल कि वो एक अलग स्पीसीज हो जाएंगी और मतलब उस पर क्या पता कुछ डेंजरस चीज़ें क्रिएट हो जाएँ या फिर कोई मतलब जो भी संतान अगर क्रिएट होती है आने वाले कुछ सौ सालों के बाद वो नेचुरल ह्यूमन को ओरिजिनल ह्यूमंस को वो इतनी पावरफुल बन जाएंगे ह्यूमंस को ही निपटा डालें ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दें ऐसा भी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ सौ हज़ार साल बाद राइट right, हो सकता है तो ये वाली चीज़ भी लोगों को थोड़ा सा परेशान करती है और यह शोध नैतिकता स्तर पर दार्शनिक और नैतिकता संबंधी मुद्दे को उठाता है हमें अन्य जीव रूपों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए तो ये ये वाली रिसर्च भी जो है वो रेज करती है फिलोसॉफिकल और एथिकल इश्यूज को मॉरल स्टेटस के कि हाउ शुड वी ट्रीट अदर लाइफ फॉर्म्स कि दूसरे लाइफ फॉर्म को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए और इस शोध के विरोधियों का तर्क है कि किमीरा शोध तो देखो आप ये किमेरा रिसर्च जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये टर्म किससे रिलेटेड है तो जब दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस किया जाता है राइट तो उस चीज को ये किमेरा टूल कहा जाता है या फिर किमेरा रिसर्च कही कहा जाता है तो यही चीज आप ध्यान में रखना थोड़ा ठीक है किमेरा शोध जानवरों के प्रति होने वाले अन्याय और बदतर कर सकता है और ये मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव जानवर अंगों का उपयोग करने के औचित्य की ओर भी ध्यान दिलाता है और अतीत में इस प्रकार के मामले आए हैं क्या तो वर्ष 2018 में डॉक्टर ही जियान जियान कुई कुई ने जीन एडिटिंग तकनीक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अनुवंशिक रूप से संशोधित शिशुओं मॉडिफाइड बेबीज को उत्पन्न करने का दावा भी किया था तो 2018 में भी इस प्रकार के स्पीशीज को बनाने का दावा ऑलरेडी किया जा चुका है यानी कि इस रिसर्च के थ्रू कि मेरा रिसर्च के थ्रू और डॉक्टर जियान कुई ने दावा किया है कि उन्होंने एक मानव भूण यानी ह्यूमन यू, एम्ब्रियो के जीन को परिवर्तित कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट वांछित विशेषताओं के साथ जुड़वा लड़कियों को भी जन्म दिया गया है इस घटना को इस प्रकार से मानव संति की उत्पत्ति का पहला उदाहरण माना जाता है राइट right, तो पहला इंस्टेंस ह्यूमन ऑफस्प्रिंग को इस प्रकार से अननेचुरल uh, तरीके से प्रोड्यूस करने का एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है इंडिया के अंदर तो इवन अगर हम लोग बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं वो भी उनको भी एक uh, विवादस्पद विषय माना जाता है तो आपको पता होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उसमें भी हमें डर है कि क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर भी हम यही चीज सेम चीज देखते हैं क्या आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीड कर दिया जाता है प्लांट की स्पीसीज़ को राइट तो यानी कि एक प्लांट की स्पीसीज की कुछ क्वालिटी दूसरी प्लांट की स्पीसीज में ऐड कर दी जाती है आर्टिफिशियली राइट साइंटिस्ट रिसर्चर ऐसा करते हैं क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी के थ्रू राइट जीन एडिटिंग टूल के थ्रू तो वो जब इस प्रकार से जीन्स में चेंजेस करते हैं तो वो डर वही है कि आने वाले कुछ सौ साल दो सौ साल पाँच सौ साल हज़ार साल के बाद क्या ये स्पीसीज अगर जहरीली हो जाए या फिर वो दूसरी नेटिव स्पीसीज को ये निपटा डाले तो ये फिर डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है है कि नहीं तो वाली बात है अब बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिल रही है कि इंटरनेट से ऑफेंडिंग कंटेंट को रिमूव किया जाए राइट ऑफेंडिंग कंटेंट को तो यह देखते हुए कि इंटरनेट ना कभी सोता है और ना कभी भूलता है राइट द इंटरनेट नेवर स्लीवस एंड द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अश्लील वेबसाइटों से आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो जैसे अपमानजनक सामग्री को हटाने में आने वाली समस्याओं से निपटाने हेतु तो कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राइट तो ये यह चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि इस प्रकार के जो कंटेंट हम लोग को ऑनलाइन इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं ऑफेंडिंग एंडिंग कॉन्टेंट फोटोग्राफी हो गई पॉर्नोग्राफी हो गई राइट और इस प्रकार के वीडियोज़ वगैरह जो हो गए तो उनको हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी कई बार कहा था और अब इन्होंने कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी हैं इस चीज़ पर तो इससे संबंधी क्या केस था तो उसके बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो ये प्रकरण एक महिला द्वारा अदालत में दायर की गई याचिका के बाद सामने आया याचिका में महिला ने कहा है कि उसकी कुछ तस्वीरें जो कि बिल्कुल अश्लील या आपत्तिजनक नहीं थी उसकी बगैर सहमति के उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लेकर एक अश्लील वेबसाइट पर अपमानजनक शीर्षक लगाकर अपलोड कर दी गई है तो ये चीज़ देखने को मिली तो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश क्या क्या है इस पर हम लोग बात करें तो किसी अदालत में इस प्रकार की शिकायत आने पर अदालत द्वारा जिस वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है उसे तत्काल इस तरह की सामग्री को हटाने हेतु निर्देश जारी किए जाते हैं फर्स्ट पॉइंट है ना और हर हालत में अदालत के आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री हटाई जानी चाहिए तो जैसे ही अदालत आदेश देती है तो 24 फोर आवर्स के बाद उसको हटा देना चाहिए अदालत का पालन करते हुए अदालत के आदेशों का पालन करते हुए और उच्च न्यायालय ने वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित यानी कि पब्लिश करने वाली वेबसाइटों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए आपत्तिजनक सामग्री से संबंधी सभी जानकारी और संबंधित रिकॉर्ड को जांच में उपयोग हेतु सुरक्षित करना अनिवार्य होगा यानी कि जितनी भी वेबसाइट में कंटेंट अपलोड हो रहा है तो 180 डेज तक उस कंटेंट को रखना अनिवार्य होगा उस वेबसाइट के लिए या फिर स्टोरेज रखनी होगी उसका डेटा रखना होगा जांच के लिए राइट तो यही बात यहां पर बताई गई तो यही सिंपल सी चीज़ है जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए आइडिया होना चाहिए और ये लास्ट टॉपिक है आज का और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा शेयर जरूर करिएगा लेक्चर को और हाईली रिकमेंडेड अगर आप यू पी में अपियर हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए जो टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर पंद्रह सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं आपके लिए दस फुल लेंथ टेस्ट हैं हर एक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया जाता है बाइलिंगवल्ड टेस्ट हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं राइट है। और खास बात यह है इस टेस्ट सीरीज के आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं डेली टॉपिक्स दिए जाते हैं वो चीज़ें आपको पढ़नी होती है और वीकली आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इसके अलावा अगर आपका सी सेट कमज़ोर है तो आप सी सेट की क्लासेस ले सकते हैं हिस्ट्री कमज़ोर है तो हिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल है एंशियट मेडिवियल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास आपके लिए अवेलेबल है इसके अलावा सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल कोर्स है तो आप इसको सोशियोलॉजी का कोर्स ये ले सकते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स ले सकते हैं ठीक है और करंट अफेयर्स की पी पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र हंड्रेड पर मंथ की फ़ीस में ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है आपको डेली लेक्चर्स की पी प्रोवाइड की जाती है आपको हैंड प्रोवाइड किए जाते हैं आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पी का रिविजन के लिए आपको मंथली मैगजीन दी जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर प्रिलिम्स स्पेशल की स्टेट पीएससी की पीपीटी पीडीएफ आपको इसमें दी जाती है जिसका एक अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली बेसिस पर एक ऑफ़र भी है ऑफ़र आप ले सकते हैं इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है उसको भी आप ले सकते हैं और कोई भी समस्या आती है पी पेड पैकेज को ज्वाइन करने में तो नाइन सेवन वन थ्री टू एट टू एट थ्री एट ये मेरा नंबर है इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू या एस एम एस के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आ जाएगा तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक तकली बाई टेक केयर अ हाँ ग्रेट डे हेट डाटा